हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम शैल, शैल कुमारी झा, एंड आई एम योर एजुकेटर ऑन सीएसआई नेट लाइफ साइंस कैटेगरी। क्या मैं आप लोगों को दिख रही हूँ? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल? कोई एक बस मुझे मैसेज कर दीजिए लाइव चैट में। क्या मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? यस, थैंक यू, थैंक यू कुना। हेलो ज्योति सिंह, हेलो कुना, हेलो मनीष, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो अपर्णा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं दिख भी रही हूँ और सुनाई भी दे रही हूँ, फिर अच्छी बात है। हेलो प्रिंसू, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आज हमारा ये लेक्चर 3 है, सेशन 3 है। और कल हमने पढ़ा था, मैं कल की थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। कल मैंने आपको बताया था कि राइबोस शुगर का फिशर प्रोजेक्शन से हार्वर्ड प्रोजेक्शन जो हुआ है, उसमें कैसे ये फिशर से हार्वर्ड हुआ है। देन मैंने आपको बताया था बी डी और एल क्या होता है, देन अल्फा बीटा क्या होता है, देन स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है। हमने ये चीज़ें कल थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में देखा था। देन हमने देखा था कि डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज कैसे होता है। हमने ये भी देखा था कि डीएनए और आरएनए में अभिषेक, हेलो अभिषेक, हाय। फिर हमने ये भी देखा था कि डीएनए एंड आरएनए में जो शुगर होता है, दैट इज बीटा टाइप, डी टाइप एंड द पेंटोजिस, दे आर ऑलवेज फाउंड टू हैव द टेक द शेप ऑफ अ फ्यूरान। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटा डी फ्यूरानोज, या सॉरी बीटा डी राइबोफ्यूरानोज हम ये कह सकते हैं, है ना। ये हमने कल देखा था। कुना, यस मैम, डी ग्लूकोज में कौन सी कार्बन नंबर में ओएच का साइड चेंज होता है? यस बेटा, थर्ड कार्बन, देखिए यहाँ पर थर्ड कार्बन में एच होता है राइट में, और ओएच होता है लेफ्ट में। समझ में आया आपको? ओएच होता है थर्ड पोजीशन में, ठीक है, थर्ड पोजीशन में ओएच होता है लेफ्ट में और एच होता है राइट में, ठीक है। तो इस तरीके से खाली ग्लूकोज में ऐसा होता है, और ये एक रूल है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि थर्ड पोजीशन में ऐसा होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आप समझ में आ गया ना आपको कुन्ना? तो हमने देखा था कि हाँ, यहाँ देखिए, हमने देखा था कि जो शुगर यूज होता है डीएनए में, दैट इज बीटा डी टाइप, डीएनए आरएनए में बीटा डी टाइप यूज होता है, एंड हम उसको कह सकते हैं बीटा डी राइबोज और बीटा डी डी ऑक्सी राइबोफ्यूरानोज। डी ऑक्सी लगेगा क्योंकि सेकेंड टू डैश पोजिशन में कार्बन के एच और एच है। ये सारी चीज़ें हमने कल देखी थी। और यस मैम, और एल में, एल मतलब आप डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं कुना? देखिए, ग्लूकोज का अगर डी कन्फर्मेशन है, सॉरी डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर डी है हमारा ग्लूकोज, तो उसके थर्ड पोजिशन में एच राइट में होगा और ओ एच लेफ्ट में होगा। एल में भी ओ एच लेफ्ट में होगा और एच राइट में होगा थर्ड कार्बन का। खाली डिफरेंस ये है कि एल में जो हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, उससे जो फार्देस्ट कार्बन, काइरल कार्बन होगा, उसका ओ एच राइट में होगा तो डी होगा, और वही अगर लेफ्ट में होगा तो वो एल होगा, ठीक है। सिर्फ डी ग्लूकोज में ही नहीं, डी ग्लूकोज में नहीं, एल ग्लूकोज में भी ऐसा ही होता है प्रिंसु, ठीक है। एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज सब में ऐसा होता है कि जो थर्ड पोजीशन का कार्बन है, उसका ओ एच लेफ्ट में होता है और एच राइट में होता है। खाली यह है कि डी में फिफ्थ कार्बन जो होता है हमारा, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो लास्ट कार्बन हो गया, फिफ्थ कार्बन जो काइरल कार्बन है, एक्चुअली में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ना ग्लूकोज का, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन का जो ग्लूकोज है, एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप कार्बन जो है ग्लूकोज में, उससे जो फार्देस्ट काइरल कार्बन है, उसका ओ एच अगर राइट में है तो डी और लेफ्ट में है तो एल।
ओके प्रिंसू मैम सिर्फ, हाँ आप समझ गए, कुन्ना और प्रिंसू समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये चीज़ें हमने कल देखी थी और हमने कन्वर्जन किया था डी ग्लूकोज का बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज में, और हमने सीखा था कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। हमने देखा था कि ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन C1 होता है, फिर हमने देखा था कि फ्रुक्टोज में एनोमेरिक कार्बन C2 होता है, C2- होता है। फिर हमने डी फ्रुक्टोज को बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज में कन्वर्ट किया था, कैसे कन्वर्ट किया था, ये सारी चीज़ें कल हमने सीखी थी। यस प्रिंसु, ग्लूकोज में तो दोनों तरफ होता है क्या बेटा? क्या होता है दोनों तरफ ग्लूकोज में? देखिए इतना बात ध्यान रखिए, इतना बात खाली याद रखिए कि ग्लूकोज में जो थर्ड कार्बन है उसका एच राइट में होता है, OH लेफ्ट में होता है, भले वो डी हो या एल हो। और जो फार्देस्ट कायरल कार्बन है फंक्शनल ग्रुप से, उसका डी और एल के बेसिस पे चेंज होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने कल पूछा था कार्बोनिल कार्बन क्या होता है, ये भी कल किसी ने पूछा था। मैंने बताया था आपको कि कार्बोनिल कार्बन मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, भले वो कीटोन का हो या एल्डिहाइड का हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, किसी का भी। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज अवर कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, इसी को ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, जब ऐसा होगा तो इसको ऑक्सो ग्रुप, नहीं तो कार्बोनिल कार्बन कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम कह सकते हैं हमारा एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन। हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड, एंड दिस इज अवर कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमने देखा था डी फ्रुक्टोज कैसे बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज में कन्वर्ट होता है, उसका एनोमेरिक कार्बन क्या है। फिर हमने देखा था डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोफ्यूरानोज में कन्वर्ट किया था। फिर हमने देखा था कि इसमें जो फिफ्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन दोनों रिंग से बाहर चला जाता है, और इस केस में कार्बन नंबर 4 का न्यूक्लोफिलिक अटैक होता है कार्बोनिल कार्बन में, ये सारी चीज़ें कल देखी थी। फिर हमने देखा था कि जो शुगर होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो शुगर RNA और DNA में होता है, दैट इज ऑफ बीटा डी डीऑक्सी राइबोस और बीटा डी डीऑक्सी राइबोफ्यूरानोज इन DNA, एंड इन RNA इट इज बीटा डी राइबोस एंड बीटा डी और बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। ये चीज़ें कल हमने अच्छे से समझी थी। फिर हमने देखा था फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, हमने क्या देखा था फॉस्फोरिक एसिड में, कि फॉस्फोरिक एसिड मतलब हो गया एनी सिंगल एटम ऑफ फॉस्फोरस व्हेन इट इज कोवेलेंटली अटैच्ड टू 4 ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीजन हुआ, ये एक ऑक्सीजन हुआ, ये एक ऑक्सीजन हुआ, ये एक ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे एच ग्रुप्स हैं 3, एंड दीज 3 आर अवर आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स। आयोनाइजेबल का मतलब मैंने बताया था कि जो आयन्स बन सकते हैं, मतलब इसमें और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से H और O के बीच में जो बॉन्ड है, वो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन पैर की वजह से जो बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, और ये हाइड्रोजन आसानी से इस बॉन्ड से टूट के जा सकता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के लिए अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, ये वाला बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन आसानी से टूट के सिस्टम से बाहर जा सकता है और किसी और मॉलिक्यूल के साथ मिलके कुछ प्रोडक्ट बना सकता है। तो इन फॉस्फोरिक एसिड वी हैव 3 आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स और H+ आयंस, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि इसी 3 आयोनाइजेबल प्रोटॉन्स से 2 यूज हो जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में। मेरा पेन कहाँ है? हाँ मिला। ओके तो देखिए ये वाला फर्स्ट शुगर था, कल हमने देखा था। प्रिंसु तिवारी, OH and H, हाँ ग्लूकोज में H एंड OH दोनों तरफ होता है, लेकिन थर्ड पोजीशन का जो H होता है वो लेफ्ट राइट साइड में होता है, OH लेफ्ट साइड में होता है थर्ड पोजीशन का, बाकी सबका OH राइट में होता है एंड H लेफ्ट में होता है, ये बात ध्यान रखिए। और जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है या कार्बोनिल कार्बन है, उससे जो फार्देस्ट कायरल कार्बन है उसका H और OH के ऊपर डिपेंड करता है कि वो DA है या L है। ओके तो फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड में हमने देखा था कि जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है उसमें 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, उसमें से 2 यूज हो जाते हैं फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड बनाने में। यहाँ पर देखिए ये आसानी से निकल सकता है, इसलिए ये शुगर के OH के साथ मिलके वाटर बन के बाहर निकल जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये शुगर का OH के साथ मिलके वाटर बन के बाहर निकल जाता है, तो ये वाला फर्स्ट एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, यहाँ पे सेकेंड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे फर्स्ट फॉस्फोमोनोईस्टर बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सेकेंड फॉस्फोमोनोईस्टर बॉन्ड बन रहा है, जिस वजह से हमें मिल रहा है फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड।
अब ईस्टर क्या होता है, तो ईस्टर का फॉर्मूला होता है आर एक्स डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, जैसे कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, उसी तरह से ईस्टर होता है आर एक्स डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। और ये एक्स की जगह पे कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, क्योंकि ये ईस्टर स्पेशल टाइप का ईस्टर है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है, तो यहाँ पर होगा आर पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ओ आर डैश, क्योंकि फॉस्फोरस का 5 वैलेंसी है इसलिए हमको ओ एच भी एक लगाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे पी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये वाले ग्रुप को आपको सर्च करना है, पी डबल बॉन्ड ओ ओ, तो यहाँ पर देखिए पी डबल बॉन्ड ओ ओ एक है, पी डबल बॉन्ड ओ दूसरा है, तो हुआ ना दो ईस्टर, इसलिए दो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी दो फॉस्फोमोनोइस्टर बॉन्ड मिला के एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। फिर ये आर आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ये तो ओ एच है ही, फिर यहाँ पे ओ आर को इसको इमेजिन कर सकते हैं, आपकी इच्छा, आर ओ आर किसी को भी इमेजिन कर सकते हैं। वैसे आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, लेकिन हमारे बायोकेमिस्ट्री में आर का मतलब होता है ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट, मतलब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, आर की जगह पे एच भी हो सकता है, कई जगहों पर आर की जगह पे एच होता है, कई जगहों पर बहुत बड़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है या ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट होता है। तो इस तरह से हमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखा था, फिर हमने स्टार्ट किया था नाइट्रोजेनियस बेसिस। नाइट्रोजेनियस बेसिस आर बेसिक इन नेचर, दे आर लुईस बेस, क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यह आसानी से डोनेट कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नाइट्रोजेनियस बेसिस आर बेसिक इन नेचर। दे आर फ्लैट, जिस तरह से हमने शुगर में क्या देखा था, शुगर का ये वाला रीजन जो है ना, इतना रीजन डार्क, हमेशा ऐसे ऐसे हम लोग डायग्राम में ऐसे देखते हैं कई बार, इसका मतलब ये होता है कि ये वाला पोर्शन हमारी तरफ फेस किया हुआ है, मतलब ये फ्लैट नहीं है, ये परपेंडिकुलर है इससे, प्लेन से, और ये वाला पोर्शन रीडर की तरफ फेस किया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है एच ओ एच, फिर यहाँ सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड यहाँ पे फिफ्थ कार्बन। तो ये जो फिफ्थ कार्बन है ये प्लेन से बाहर है, मतलब ये जो भी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेन में है, मतलब एक साथ हैं, लेकिन ये वाली जो है ये पूरा बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि समझ लो ये हमारा शुगर है, एच ओ एच यहाँ है, सारे एच ओ एच इस तरह से सब उठे हुए हैं, प्लेन से ऊपर या नीचे हैं, तो सी एच टू ओ एच भी प्लेन से बाहर है। नाइट्रोजेनियस बेस लेकिन फ्लैट है, मतलब वो प्लेन के पैरेलल है, वाटर अगर पेपर आप ले रहे हैं तो पेपर के पैरेलल में नाइट्रोजेनियस बेसिस है। दे आर फ्लैट, हेट्रोसाइक्लिक, मतलब मैंने बताया था कि कार्बन के अलावा और भी एटम्स होंगे, तो नाइट्रोजेनियस बेसिस में एन होता है मेन रिंग में। देन वो नॉन पोलर है, नॉन पोलर मैंने बताया था, हाइड्रोफोबिक का मीनिंग मैंने बताया था, इस तरह से नाइट्रोजेनियस बेसिस क्या है हमने देखा था। फिर हमने देखा था नाइट्रोजेनियस बेसिस के दो ग्रुप हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, और उनका ये बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर है। फिर हमने देखा था प्यूरिन दो टाइप के हैं, एडेनाइन एंड ग्वानाइन, तो ये प्यूरिन के जैसे हैं इसलिए इन्हें प्यूरिन के अंडर लिया जाता है, बस थोड़ा मॉडिफिकेशन है, जैसे कि एडेनाइन में सिक्स्थ पोजीशन में अमोनिया है, देखिए ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर और ये वाले प्यूरिन, ये एडेनाइन का स्ट्रक्चर, दोनों में बहुत सब सिमिलर है, बस सिक्स्थ पोजीशन में देखिए अमीनो ग्रुप है, बाकी सारे पोजीशंस चेक कीजिए सब सेम है। तो एडेनाइन का केमिकल नेम भी हमने देखा था 6-aminopurine, उसी तरह से ये ग्वानाइन और प्यूरिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सब सिमिलर है, दो चीज़ों को छोड़ के। सिक्स्थ पोजीशन में ऑक्सो ग्रुप है, देखिए ये ऑक्सो ग्रुप है, और देखिए इसके अलावा सेकेंड पोजिशन में यहाँ पर हमारा अमीनो ग्रुप एडेड है, तो इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या होगा, 2-amino-6-oxo-purine, इसका केमिकल नेम क्या होगा, 6-amino-purine। तो मैंने बताया था कि केमिकल नेम कई बार एग्जाम में एक बार आया है और ये आने के चांसेस हैं, या ये आना जरूरी है, ये नॉलेज जरूरी है एग्जाम के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि पायरिमिडिन तीन तरह के हैं, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, और पायरिमिडिन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो साइटोसिन है और पायरिमिडिन का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए फोर्थ पोजिशन में अमीनो ग्रुप है, और देखिए सेकेंड पोजिशन में ऑक्सो ग्रुप है यहाँ पर, और फोर्थ पोजिशन में अमीनो ग्रुप है, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, 4-amino-2-oxo-pyrimidine, साइटोसिन का अल्टरनेट नेम होगा या केमिकल नेम होगा। वैसे ही थायमिन, देखिए थायमिन में और यूरासिल में देखिए बहुत सिमिलैरिटीज हैं, सब कुछ सेम है, खाली एक जगह पे डिफरेंस है मिथाइल ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप फिफ्थ पोजिशन में एडेड है थायमिन में, लेकिन यूरासिल में नहीं है, तो थायमिन का अल्टरनेट नेम क्या हो जाएगा, 5-methyl
सॉरी हाँ थायमिन का अल्टरनेट नेम क्या हो जाएगा, 5-methyl uracil। अब देखिए यूरासिल जो है वो उसका और पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर को कंपेयर कीजिए, तो पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर में फोर्थ पोजीशन में कुछ नहीं है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में ऑक्सो है, और यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन में ऑक्सो है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में कुछ नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो यूरासिल है वो क्या हो जाएगा, 2,4-dioxopyrimidine। तो इस तरह से हमने सबके अल्टरनेट नेम्स देखे थे। ओके विजय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम यू। ओके, तो हम उसके बाद मैंने ट्रिक बताई थी कि प्यूरिन वर्ड छोटा है तो इसके दो ही एग्जाम्पल है ए जी, पायरिमिडिन वर्ड बड़ा है तो इसके तीन एग्जाम्पल हैं, और ये एग्जाम वर्ड छोटा एग्जाम्पल छोटा लेकिन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और ये वर्ड बड़ा एग्जाम्पल बड़ा लेकिन ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या देखा था कि ये वर्ड छोटा एग्जाम्पल छोटे डबल रिंग और इसका बहुत हाईएस्ट नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन आइटम है वो यूज होता है शुगर के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के लिए, N9 नाइन्थ पोजिशन का नाइट्रोजन। उसके बाद क्या देखा था, पायरिमिडिन का N1 यूज होता है, तो ये ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, मैंने ये सब कल समझाया था। उसके बाद मैंने आयोडीन का स्ट्रक्चर एक एक करके सिखाया था, फिर ये बताया था कि आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोजन किस किस प्लेस में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन आयोडीन में 1,3,7,9 में प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन और प्यूरिन में डिफरेंस ये है कि 6th पोजीशन में अमीनो है, तो ये बात याद रखना है। और उसके बाद याद रखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, तो आप एडेनाइन का स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। प्लस आपको ये भी देखना है कि नंबरिंग जो होती है कार्बन आइटम्स की वो यहाँ पे इस एन से स्टार्ट हुई है, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर के नाइट्रोजन से स्टार्ट हुई है, एंड वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ी है, 1,2,3,4,5,6। इस तरह से आप एडेनाइन का स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं ग्वानाइन, जिस तरह से ग्वानाइन में मैंने क्या बताया था कि ग्वानाइन में भी वही इस अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर का नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और इसमें 1,3,7,9 पोजीशन में नाइट्रोजन है, और ये इसमें और प्यूरिन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, ऑक्सो और अमीनो ग्रुप्स है, ये बात याद रख लेंगे, और डबल बॉन्ड की पोजीशन याद रख लेंगे तो ग्वानाइन का स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको नाइट्रोजन के प्लेसेस याद हैं कि 1,3,7,9 बस इतने पोजीशंस में नाइट्रोजन है, देखिए 1,3,7,9 है ना, तो बाकी जगहों पर क्या होगा, कार्बन होगा, हो गया खत्म, इतना क्लियर हो गया। देन कहाँ पे ऑक्सो ग्रुप है, 6th पोजीशन में, तो 6th पोजीशन में आप सी डबल बॉन्ड ओ लिख लेंगे, ये याद रखना पड़ेगा। 2nd पोजीशन में अमीनो है, अमीनो ग्रुप लिख देंगे। इसके बाद तो आपको पता ही है डबल बॉन्ड का पोजीशन याद रखना है, नंबरिंग याद रखनी है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ये याद रखना है, उसके बाद वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। देखिए यहाँ पे जो कार्बन है इसके कितने वैलेंसी सेटिस्फाई, चारों हो रहे हैं तो यहाँ पे एच नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन का चारों सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन को देखिए, यहाँ पे कार्बन 1,2,3 ही सेटिस्फाई कर रहा है इसीलिए हाइड्रोजन लगा है। यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी है, 2 ही सेटिस्फाई हुआ है इसलिए 1 को सेटिस्फाई हमने एच से कर दिया है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। जैसे साइटोसिन का देखिए, साइटोसिन का हमें ये याद रखना है कि नाइट्रोजन 1,3 और 4 में है, लेकिन एडेनाइन और ग्वानाइन में दोनों में सेम है, 1,3,7,9 पोजीशन में है, लेकिन साइटोसिन में 1,3,4 में है। फिर हमने कल देखा था कि इसका नंबरिंग कैसे होता है, वहाँ पे एडेनाइन और ग्वानाइन का नंबरिंग इस वाले से शुरू हो रहा था, यहाँ पे बेस से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरह से, वहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, देखिए सेम, ठीक है। उसके बाद क्या देखा था कि साइटोसिन में और पायरिमिडिन के बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, 2nd पोजीशन में ऑक्सो ग्रुप है, 4th पोजीशन में अमीनो ग्रुप है। उसके बाद क्या देखा था, उसके बाद डबल बॉन्ड्स कहाँ है ये याद रखना है, बस हो गया, आपको याद रह जाएगा कि साइटोसिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। एंड वन मोर पॉइंट, मैंने क्या बताया कि ग्वानाइन और एडेनाइन का 9th पोजीशन का हाइड्रोजन ये वाला नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है शुगर के साथ बॉन्ड करने में, और फिर हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये हम आगे भी देखेंगे, तो ये वाला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिए जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिए, ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है, ये वाला जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के लिए। अच्छा, और डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर देख लेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ क्या है देख लेंगे थोड़ा एक बार। उसी तरह से यूरासिल देखिए, यूरासिल में भी वही नाइट्रोजन 1,3 में है, यहाँ पर 1,3,4 में था, लेकिन एडेनाइन और ग्वानाइन में सेम था 1,3,7,9, लेकिन साइटोसिन में 1,3,4 में था और यूरासिल में 1,3 में था। ओके प्रियंका,
मैम पोलर नॉन पोलर बता दीजिए। ओके एक सेकेंड, बस मैं रिवाइज करा दूँ, फिर हम बॉन्ड के ही बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। बस एक मिनट। तो नाइट्रोजन यूरासिल में क्या है, वन और थर्ड पोजिशन में है, देखिए वन और थर्ड, लेकिन साइटोसिन में वन थ्री और फोर में था, ठीक है। उसके बाद थायमिन, देखिए नाइट्रोजन कहाँ है, वही सेम वन थ्री में है। फिर आपको ये याद रखना है कि ऑक्सो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन में था, अल्टरनेट नेम से आपको याद रखना होगा, फाइव मिथाइल यूरासिल, क्योंकि थायमिन और यूरासिल में डिफरेंस क्या था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यूरासिल और थायमिन में डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये वाला ग्रुप अलग है, बाकी नहीं तो थायमिन और यूरासिल का सेम स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह से आपको सभी का स्ट्रक्चर याद रखना है, और कल तक आप कोशिश कीजिए, शाम तक आपका होमवर्क है कि घर में सारे नाइट्रोजीनियस बेसिस का स्ट्रक्चर याद करके दो चार बार प्रैक्टिस करके फाइनली याद क्या करना है आपको, बस समझना है बंद करके। अगर आपने इंडिविजुअली बना लिया सारे स्ट्रक्चर्स, तो आप समझ लेंगे कि ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। प्लस आपका ऑल्टरनेट नेम, केमिकल नेम याद रहना चाहिए, एंड आपको ये भी देखना है कि वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बना रहा है, प्लस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बना रहा है, ये सब प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, अब ये यहाँ तक कल देखा था, यहाँ से थोड़ा सा शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक आया है, वो क्या है, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर, हाँ मैंने क्या बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कल, मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है, वो ऐसे दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है जिनके पास में से एक मॉलिक्यूल के पास एच होना जरूरी है, भले दूसरे के पास हो ना हो दैट डज नॉट मैटर, लेकिन एक के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, दे आर एक्स एच प्लस वाई ओ और वाई एन और वाई एफ। मतलब एक के पास तो हाइड्रोजन होना जरूरी है, और इस एक्स की जगह पे ओ एन और एफ कुछ भी हो सकता है, एफ मतलब फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो दो जो मॉलिक्यूल्स है, कल के लिए टेस्ट प्रियंश प्रिंसु, टेस्ट तो नहीं लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर टेस्ट करेंगे, ये खत्म होने के बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट एक दिन करेंगे, उस दिन मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप मुझे लाइव चैट में आंसर बताएंगे, तब आप पता कर लेंगे कि आपने ये टॉपिक कितना अच्छे से पढ़ा है। देखिए हर टॉपिक ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि यही मेन है, यही आपको हर जगह काम आने वाला है, तो इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, बाकी चीजें इतना डिटेल में ना पढ़ने से होगा। ओके तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है ये बात ध्यान रखिए, यह हाइड्रोजन बॉन्ड का बेसिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जिनमें से एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, और वो हाइड्रोजन जिसके साथ अटैच्ड होगा वो मॉलिक्यूल उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब वो कैरेक्टर एक मॉलिक्यूल का, एक एटम का, कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच सके। बस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मॉलिक्यूल होता है, मैम वाई क्या है, ओके बता रही हूँ, वाई मतलब क्या होता है, रुको बताती हूँ, कल मैंने ये समझाया था, बस मैं रिवाइज करा रही हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ, रुकिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए पहला मॉलिक्यूल जो होगा उसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, और वो हाइड्रोजन जिसके साथ अटैच होगा वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू स्पीशीज इन विच द फर्स्ट वन शुड हैव वन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एस ओ एन एंड एफ। इस तरह से ये आपको पहला पॉइंट लिखना है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है, द सेकेंड मॉलिक्यूल विच इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन शुड बी आइदर हैविंग ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरिन अटैच विथ एनी मॉलिक्यूल। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा हमारा उसमें एक एटम तो ओ एन या एफ होगा, लेकिन दूसरा जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, वाई नाम दे दिया, वाई की जगह पे आप कुछ भी सोच सकते हैं, कार्बन सोच सकते हैं, हाइड्रोजन सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। आप समझ में आया विजय, ये जो वाई है ये कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो सेकेंड पोजिशन में है उसमें ओ एन और एफ होना जरूरी है। और यहाँ पे जैसे कि हर दोनों मॉलिक्यूल में एक पोजीशन को फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो हाइड्रोजन से, और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन को फिक्स कर दो ओ से, एन से, नहीं तो एफ से,
अब इस x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस x की जगह पे ये तीन में से एक होगा और इस y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है हमको, ये बात ध्यान रखना है। अब समझ में आया, हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच में बनता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, एक के पास में हाइड्रोजन होने के अलावा जो दूसरा एटम है वो उससे इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ओ एन एफ एफ। द सेकेंड मॉलिक्यूल शुड हैव वन एटम एज ओ एन और एफ एंड द अदर कैन बी एनीथिंग। तो हम लिख सकते हैं एक्स एच प्लस वाई ओ और वाई एफ और वाई एन। अब आया, क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हो गया? एक बार रिप्लाई कर दीजिए, सबको क्लियर हो गया यहां तक? आप ये चीज नहीं समझेंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। एक्चुअली में ये आपको आना चाहिए, आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो ये मैं बस बता के चली जाती कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अल्टरनेट नेम जानना जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजनस बेसिस का, उसी तरह से ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस पोजिशन पे बनता है, किन के बीच में बनता है, कितना बनता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके, लेट्स प्रोसीड देन। हो गया, अब नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में यहाँ पे एक स्लाइड है। ओके, नेक्स्ट क्या हम कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में? देखिए, अब जो X है और H है, मैम X एंड Y क्या है? ओके, देखिए H तो फिक्स्ड है, X क्या हो सकता है? X शुड बी आइदर O N और F प्लस Y O और Y F और Y N, एंड दिस Y कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल सी एच एक्सेट्रा। ये लिख लो, इतना लिख लो कम से कम आप अपनी कॉपी में। मैम आप फर्स्ट लेक्चर किस बुक से पढ़ाई थी? बेटा सारी मैं लेनिंजर और वॉटसन से ही पढ़ा रही हूँ, आप वो बुक को खोलिए। आज देखिए, आज जो मैं लाई हूँ पीडीएफ, जो स्लाइड्स लाई हूँ वो उन्हीं का डायरेक्ट मैंने पैराग्राफ्स कॉपी किया है, सब उन्हीं का ही पैराग्राफ्स है। हम आज पैराग्राफ्स को थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा आप जल्दी जल्दी प्रोसीड करेंगे तो हो पाएगा, नहीं तो फिर कल ये जाएगा। और उड़ीसा में साइक्लोन आने वाला है, आप लोगों को पता है मैं उड़ीसा में रहती हूँ भुवनेश्वर में, तो कल शायद ही क्लास हो पाएगा। कल 12 बजे लैंडफॉल करेगा वो साइक्लोन, उड़ीसा में बहुत साइक्लोन आता है। अभी कुछ दिन पहले एक आया था माइल्ड वाला, अभी सुपर साइक्लोन आया है। तो आज भी क्लास हो पाता नहीं हो पाता मैं श्योर नहीं थी, वो तो मौसम ठीक था इसलिए हो गया। तो साइक्लोन आएगा तो लाइन भी चला जाएगा और वाईफाई भी चला जाएगा, तो कल क्लास की श्योरिटी नहीं है, 90% नहीं ही होगा। अगर होगा तो 7 बजे शाम को होगा, नहीं अगर होगा तो मैं सुबह करने की कल कोशिश करूंगी, क्योंकि 12 बजे लैंडफॉल करेगा वो जो साइक्लोन है, वो 12 बजे हमारे कोस से टकराएगा। तो हो सकता है तो मैं कल 12 बजे से पहले करूंगी, नहीं तो फिर शाम को कल नहीं होगा। इनफैक्ट 2-3 दिन अभी क्लासेस के लिए प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप लोग जैसे नोटिफिकेशन आता है उस समय में आ जाइएगा, मैं टाइम कुछ श्योर नहीं बता सकती। और जब सब ठीक हो जाएगा 27 के बाद आई थिंक सब ठीक हो जाएगा, तो फिर हम क्लासेस का टाइमिंग करेंगे। ओके कुना, हाँ उड़ीसा से, ओके मुझे पता था आपका नाम देख के। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लिया आप लोगों ने, ये चीज़ें, हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, एक्स और एच, दिस एच शुड बी 100% देयर, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। और ये एक्स ओ एन या एफ हो सकता है, तीनों में से एक होगा और कुछ नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल को फिक्स कर दो ओ एफ या एन, और ये वाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया ये चीज सबको? समझ में आया इतना? अब आगे बढ़े तो इतना तक क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हो गया, ठीक है? ओके, तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर X और H एक मॉलिक्यूल अगर है, मैं X की जगह पे एक चीज ले लेती हूँ, जैसे कि H2O, XH का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O, ठीक है हो गया। अब H2O में कैसा दिख रहा है? H2O OHH, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो एग्जांपल हम ले रहे हैं, दैट इज लेट्स सपोज HF, ठीक है? ये H की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये Y है, यहाँ पे C भी हो सकता है, H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये H कंपलसरी है और यहाँ पर ये Y, F और N कंपलसरी है। बाकी एक्स और वाई की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन जो एक्स होगा उसकी जगह पे ओ एन एफ ही होगा, ठीक है? बेटा प्रियंका, क्या मैं दूं? क्या बोल रहे हैं आप? दीजिए। फर्स्ट लेक्चर किस बुक से पढ़ाई थी? मैं लेनिंजर से ही पढ़ाई थी।
और ये जो मैं बता रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब तो मैं बहुत सारी जगहों से पढ़ी हूँ, ये मेरा नॉलेज है, मतलब मेरा नॉलेज मतलब क्या, मैं बहुत सारी जगह से पढ़ के ये आई हूँ। और वॉटसन में देखेंगे आप, सिक्स्थ एडिशन जो है वॉटसन का, शायद वॉटसन का जो सेवन्थ एडिशन से पढ़ा रही हूँ मैं, उसमें डीएनए और आरएनए से पहले एक चैप्टर है बॉन्ड्स के ऊपर ही, तो मैं उसको पूरा पढ़ के शॉर्ट में आपको यहाँ बताने वाली हूँ, क्योंकि हम बॉन्ड यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे डीएनए पढ़ रहे हैं। अगर बॉन्ड पढ़ाने के लिए तो फिर उसके लिए बहुत सारे क्लासेस चाहिए, तो मैं बॉन्ड बस थोड़ा सा पढ़ा दूंगी ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सब क्लियर हो जाए। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर करके हम नाइट्रोजनस बेसिस का इंटरेक्शन क्लियर कर लेते हैं, फिर बाकी बॉन्ड्स के बारे में देख लेंगे, पोलर नॉन पोलर सब देख लेंगे, ठीक है? पोलर नॉन पोलर, हाँ ओके, पहले इसको क्लियर कर ले बेटा। ओके, तो ये XH की जगह पे मैंने वाटर लिया है और YF की जगह पे मैंने HF लिया है, ठीक है? आप देखिए ये O जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, तो क्या करेगा, फॉर श्योर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अभी पोलर के बारे में बताती हूँ प्रियंका, देखिए ध्यान दीजिए मैम, कार्बन एंड फ्लोरिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कार्बन एंड फ्लोरिन नहीं, कार्बन फ्लोरिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा बेटा। अगर बाय चांस ऐसा कोई मॉलिक्यूल, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा बनता नहीं, अगर ऐसा है तो ये अगर समझ लीजिए H2O के साथ जब आएगा तब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तब बनेगा, ठीक है? अच्छा विजय, अगर हाइड्रोजन आइटम नहीं भी हो तो तब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ही है हाइड्रोजन आइटम होना जरूरी है एक मॉलिक्यूल के पास में, एंड सेकेंड शर्त यह है कि वह हाइड्रोजन आइटम किसी उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से बॉन्ड होना चाहिए, फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होना जरूरी है, ठीक है? अब समझ में आया विजय आपको, ठीक है? अगर CF नाम का कोई मॉलिक्यूल है भी तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये जब इसके साथ आएगा तब इनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, ये बहुत टेम्पररी इंटरेक्शन होगा और ये वीक भी होगा बहुत, ये एक्चुअली में हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड नहीं है, एक इंटरेक्शन है, एक इंटरेक्शन है, ठीक है? ठीक है, तो हम इसको बॉन्ड नाम दे देते हैं लेकिन एक्चुअली में ये बस एक इंटरेक्शन है, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? तो हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें क्या था, H2O plus HF, है ना? H2O जो था वो क्या था, X और H, HF क्या था, YF। देखिए फिर से हवा शुरू हो गई है, अगर लाइट चली गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेटा, तो मैम YF वाला क्या था, बेटा YF जो है उसकी जगह पे Y की जगह पे मैंने H ले लिया, HF, ठीक है? YF की जगह पे कुछ भी, Y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन X की जगह पे सिर्फ और सिर्फ O, N और F होगा, ये बात ध्यान रखिए। और इस Y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, C हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस केस में HF लिया गया है। जिस तरह से आप देखिए, समझ में आया? अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि समझ लीजिए XH की जगह पे मैंने क्या, मैंने कल जो एग्जांपल बनाया था वो क्या बनाया था, रुकिए, हाँ यहाँ देखिए XH प्लस, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ, अच्छा देखिए XH, बस इतना समझिए XH जो है उसमें H होना जरूरी है और X की जगह पे आप O, F और N ले सकते हैं। YF, YN और YO, ये Y कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर ये H होता है, कुछ भी हो सकता है, H ना भी हो तो चलेगा लेकिन ये H हो सकता है, ठीक है? हुआ समझ में आया? H हो सकता है, C हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो आप इस H, इस Y की जगह पे और भी कुछ देख सकते हैं, ठीक है? ओके देन आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने XH की जगह पे एग्जांपल लिया H2O और YF की जगह पे एग्जांपल लिया HF, ठीक है? अब देखिए H2O जो है वो क्या है, O, H, H। प्रियंका यहाँ पे पोलर नॉन पोलर आएगा, ध्यान दीजिए। कल मैंने बताया था आपको मीथेन और उसमें, फिर भी मैं आज फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल अगर है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक चार्ट आता है, आप उसको गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा आइटम किससे कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको अपने तरफ खींचेगा और यहाँ से भी अपने तरफ खींचेगा, इससे क्या होगा, इस ओ के ऊपर एक टेम्पररी चार्ज डेवलप कर जाएगा या एक वीक चार्ज डेवलप कर जाएगा जिसको बोलेंगे डेल्टा नेगेटिव।
और क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना जाने दिया इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसके ऊपर डेवलप कर जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। बेटा प्रियंका, यही पोलर मॉलिक्यूल है। आपको समझ में आया? जिस भी मॉलिक्यूल में चार्ज का डिफरेंस होता है, मतलब ये जो पार्शियल, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये आयन नहीं है, आयन नहीं है, ये डाइपोल है, या ये इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। ये एक डाइपोल हुआ, ये एक पोल हुआ, ये एक पोल हुआ, ये दोनों मिलके एक डाइपोल हो गए, इसलिए तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। प्रियंका, आप समझ में आए थोड़ा सा पोलर मॉलिक्यूल क्या है? ठीक है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। जहां पर भी आप एक मॉलिक्यूल में देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत डिफरेंस अगर है, तब वो कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4, CH4 में CH, इसमें C और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में इक्वल शेयर हुए हैं, इस वजह से इनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं कर रहा है, ये पोलर पोल्स की तरह भी नहीं एक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आया आपको? तो ये नॉन पोलर है। वाटर पोलर हो गया, HF पोलर हो गया, क्योंकि F जो है वो H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। H2O पोलर हो गया, HCl पोलर हो गया, क्योंकि H हो गया डेल्टा पॉजिटिव, Cl हो गया डेल्टा नेगेटिव। तो जो भी जिस भी मॉलिक्यूल में आप FONCl जैसे एटम्स देखेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि वो मैक्सिमम टाइम्स पोलर ही होंगे। ठीक है, और जहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं मिलेगा, वहां पे जो बॉन्ड पेयर, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर होगा, वहां पे पोल्स डेवलप नहीं करेंगे। और ये बात याद रखेंगे, एक पोलर सॉल्वेंट में पोलर मॉलिक्यूल ही डिसॉल्व हो सकता है। तो वाटर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ HF HCl इस तरह से चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं। वाटर के अंदर में CH4 कभी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? अब आपने वाटर में किसी पोलर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व किया, मतलब क्या है? उनके बीच में टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। ओके, एक सेकेंड विजय, आपको समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे कि वाटर प्लस HF, हमने एक एग्जांपल लिया था, इसी से आपको भी क्लियर हो जाएगा। वाटर हमारा है XH, HF हमारा है YF। ठीक है, तो वाटर में यहाँ पे बना दी OHH, ये हो गया डेल्टा नेगेटिव, ये हो गया डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये YF है, सॉरी HF है, सॉरी HF है, अब ये भी डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये जो डेल्टा नेगेटिव है, इसके ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी तरफ ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड है। तो ये नेगेटिव एंड के इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर है, उसकी तरफ ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा, ये एक टेम्पररी अट्रैक्शन फील करेगा, बस यही हाइड्रोजन का बॉन्ड है। या हाइड्रोजन बॉन्ड को जो हम इंटरैक्शन अगर करें, तो यही इंटरैक्शन है हमारा, और ये टेम्पररी होता है, वीक होता है, ये टूट सकता है। लेकिन और ये भी कह सकते हैं, ये एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी तो है। देखिए, ये एक पोल है, ये एक पोल है, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी तो हुआ। इसी तरह से वाटर में पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि वो लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं आपस में। अगर इसी वाटर में आप CH4 डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो नॉन पोलर है और ये पोलर है, H2O पोलर है। तो वाटर में CH4 कभी डिसॉल्व नहीं करेगा, वाटर में हमेशा HF डिसॉल्व करेगा, HCl डिसॉल्व करेगा। इस तरह से मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए दो बातें आपको क्लियर रखनी है, क्या क्या? एक हाइड्रोजन होना जरूरी है, और एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला होना जरूरी है। HF में F जो है वो इसके जो अट्रैक्शन है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और ये डोनर है उस अट्रैक्शन का। तो H हो गया डोनर, F हो गया एक्सेप्टर। यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ? विजय, क्लियर हुआ? प्रियंका, प्रिंसु, सबको क्लियर हुआ? पुना, सबको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही वाटर में डिसॉल्व होती है चीज़ें, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही मैक्सिमम बायो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक बस टेम्परेरी है, वो कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, मैं प्रोसीड करूँ आगे।
आगे प्रोसीड करूं, आई होप मैंने क्लियर कर दिया पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब यहां से जो आपको बात याद रखनी है वो डोनर और एक्सेप्टर वाली बात आगे लेके जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अभी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड, भूल ना जाए, एक्स एच प्लस वाई एफ, अभी लिखिए, मैं नॉट कॉल आउट कर देती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन विच वन मॉलिक्यूल शुड हैव वन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज एन ओ एंड एफ, ठीक है, लिख लिया इतना। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, लिखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन विच, ये भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज जस्ट ए टाइप ऑफ इंटरैक्शन, इट इज नॉट अ बॉन्ड। बॉन्ड यूज करना उतना सही नहीं हो, यूज करते हैं लोग, लेकिन बॉन्ड से बेटर होगा अगर हम इंटरैक्शन वर्ड यूज करें। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, द फर्स्ट मॉलिक्यूल शुड हैव वन हाइड्रोजन एटम कंपल्सरी एंड दैट हाइड्रोजन एटम शुड बी बॉन्डेड विथ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ओ एफ एंड एन, ठीक है, इतना लिख लिया। द सेकेंड मॉलिक्यूल शुड हैव वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज एफ ओ आर एन बॉन्डेड विथ एनी एटम विच कैन बी हाइड्रोजन कार्बन एनीथिंग, फिर ये एग्जाम्पल दे देना एक्स एच और एच एफ, और फिर एग्जाम्पल दे देना वॉटर एंड एच एफ का, ठीक है। ठीक है, इतना लिखिए, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ लिखने के बाद मुझे। हाँ बेटा विजय, मैम ये वीक होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, यस ये वीक होता है, लेकिन अभी बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वीक तो है एज कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड एंड कोवालेंट बॉन्ड, लेकिन एज कम्पेयर टू वैंडरवाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइपोल वैंडरवाल्स फोर्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये स्ट्रांग है। लेकिन जब अगर हम आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो ये बहुत वीक है। अब आयोनिक बॉन्ड क्या है वो थोड़ी देर में बताऊंगी। ये एक वीक बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड्स है ना, जितने भी वीक बॉन्ड्स होते हैं ये बॉन्ड नहीं है, इंटरेक्शन है। जैसे कि समझ लीजिए वाटर मॉलिक्यूल घूम रहा है, एक एच एफ घूम रहा है, उनके बीच में टेम्पररी थोड़ा सा अट्रैक्शन इस तरफ का हो गया, वो टूट जाएगा, टूट सकता है आसानी से। इसको तोड़ने के लिए उतना एनर्जी नहीं चाहिए जितना NaCl को तोड़ने के लिए चाहिए। NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, इनके बीच में Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे बहुत कम चाहिए वाटर को तोड़ने के लिए, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक टाइप ऑफ बॉन्ड एज कम्पेयर टू वीक बॉन्ड्स, बट सॉरी इट इज अ वीक टाइप ऑफ बॉन्ड एज कम्पेयर टू आयनिक और कोवालेंट बॉन्ड, बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन वैंडरवाल्स, लिख सकते हो इट इज स्ट्रॉन्गर देन वैंडरवाल्स, डाइपोल इंटरैक्शन, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इट इज स्ट्रॉन्गर देन दोज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बट इज वीकर देन आयोनिक एंड कोवालेंट, ठीक है। विजय यस, प्रोटीन में यस यस, हाइड्रोजन बॉन्ड समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बायोमोलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड ही मतलब सबसे ज्यादा देखा जाता है। डीएनए में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पहले समझना जरूरी है। आप पहले हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है वो समझेंगे तब ना समझेंगे डोनर एक्सेप्टर दुनिया जान की चीजें। तो प्रोटीन में भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड का इंपॉर्टेंस है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, टर्शरी में बाकी चीजें भी देखी जाती हैं, डाइपोल हाइड्रोफोबिक वैंडरवाल्स, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हैविंग ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड। ये प्रोटीन जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। हो गया विजय, आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। अब आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़े, सबको क्लियर है, शैल वी प्रोसीड। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में बताऊंगी, डोंट वरी प्रियंका, है मेरे पास सारे स्लाइड्स, पहले आज जो प्लानिंग की हूँ थोड़ा सा वो हो जाए। यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ सबको। प्रियंका मैम आपका अलग यूट्यूब चैनल है ना? हाँ है बेटा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ पर सबको समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई तो हाँ बोलो, आगे बढ़े, समझ में आया सबको यहाँ तक? ओके मैं आगे बढ़ती हूँ फिर, क्योंकि फिर खत्म भी करना है। ओके मेरा एम है इन 7-8 days में खत्म करना है इसको, बीच में साइक्लोन आ गया फिर प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन इसको जल्दी खत्म करना है। मैं बढ़ रही हूँ आगे, ठीक है।
ओके अब हमें देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, और ये वाली स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना हो सकता है, सेक्शन बी में इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके तो सेक्शन सी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से सेक्शन सी नहीं सॉरी सेक्शन बी, सेक्शन बी में यहाँ से आता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजनियस बेसिस के बीच में बनता है, उसको बोलते हैं वॉटसन क्रिक बॉन्डिंग, वॉटसन क्रिक बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में ए और टी के बीच में बॉन्ड होता है हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड। मैम योर थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच। एडेनाइन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये वॉटसन क्रिक बॉन्डिंग है। तीन ही क्यों, दो ही क्यों, ए और जी के बीच में क्यों नहीं, टी और सी के बीच में क्यों नहीं, ये सारे आंसर्स हम ढूंढ लेंगे आज ही, आज ही सब आंसर ढूंढना है हमको, मुझे आज ही कवर करना है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके कुना, नाइट्रोजन बेस में है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होता है बता दीजिए। हाँ अभी हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। तो वॉटसन क्रिक बॉन्डिंग के हिसाब से क्या है, व्हाट इज दैट रूल, इट स्टेट्स दैट एडेनाइन ऑलवेज बॉन्ड्स विद थायमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज बॉन्ड्स विद साइटोसिन। एडेनाइन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ दो क्यों, तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, यहाँ पे तीन क्यों, एक क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, पांच क्यों नहीं, ए जी के साथ क्यों नहीं, टी सी के साथ क्यों नहीं, कितने क्वेश्चन है आपके दिमाग में अभी। अब हम ये पढ़ेंगे, अभी सारे सारे आंसर्स निकालेंगे। सबसे पहले तो ए और डबल बॉन्ड टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी क्या है वो क्लियर करते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, दो क्यों, तीन क्यों। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ए दूसरे के साथ क्यों नहीं, जी दूसरे के साथ क्यों नहीं, ठीक है, इतना क्लियर कर लेते हैं। अच्छा उससे पहले ये बात लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि ए टी एंड जी सी दिस इज वॉटसन क्रिक पेयरिंग, बॉन्डिंग नहीं वॉटसन क्रिक पेयरिंग, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ स्लाइड को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके लेट्स प्रोसीड। चलिए अब अपनी कॉपी में, अगर आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे हैं, सब अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो जो मैं बोलती जा रही हूँ लिखते जाइए, ड्रॉ करते जाइए, तो ईजी होगा। अभी हम ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, एडेनाइन के बीच में, थायमिन के बीच में दो। तो सबसे पहले तो ग्वानाइन बनाना है, देखिए ग्वानाइन कैसा दिखता है देख लेते हैं हम ओरिजिनल स्लाइड में। ग्वानाइन इस तरह से दिखता है, ओके ये रहा हमारा ग्वानाइन, ठीक है ना। नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे, आपको याद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ग्वानाइन है कि नहीं, अपनी कॉपी में इसको पहले बना लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी। किस बुक का फिगर है ये बेटा, ये शायद ये लेनिंजर का है मुझे लग रहा है, ये लेनिंजर का है, ठीक है। लेकिन ये जो जो अभी हम देख रहे थे ना जो स्लाइड, वो था वॉटसन का, ठीक है, वो वॉटसन का था, ठीक है। ओके जल्दी से पहले ग्वानाइन अपनी कॉपी में बना लीजिए जल्दी जल्दी, ये ग्वानाइन को जल्दी बना लीजिए फटाफट फटाफट, आगे बढ़ेंगे हम, और कार्बन आइटम्स को नंबर कर लीजिए जल्दी। ग्वानाइन बना लिया सबने, फटाक से ग्वानाइन बना लीजिए, बनाएंगे अगर मेरे साथ में तो इजी होगा। ग्वानाइन बनाने के बाद अब साइटोसिन बना लीजिए, मैं इसको रब कर देती हूँ इस स्लाइड को, जो भी गंदगी है उसको साफ कर देती हूँ। ये कल का है, ये नहीं हो सकता, ये सेव हो गया है। ओके साइटोसिन बना लीजिए जल्दी और नंबर कर लीजिए, आपको पता है बेस से शुरू होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा, जल्दी बना लीजिए साइटोसिन एंड ग्वानाइन, ठीक है, बना लिया सबने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन सबने बना लिया अपनी कॉपीज में, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ग्वानिन है, ठीक है ना, ये ग्वानिन अगर पुराने स्लाइड से बनाऊंगी तो कैसे बनाऊंगी मैं, ये एक है ये दूसरा है। अच्छा हम कहीं पे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये यहाँ होगा तो ये पेंटागॉन जो है वो इसी तरफ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि कार्बन नंबर 1 अगर यहाँ है तो हमेशा यहीं बनाएंगे, इसको रोटेट भी किया जा सकता है जैसा कि यहाँ पे हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कार्बन जो हमने जो पुरानी वाली स्लाइड थी उसका कैसा था, ग्वानिन आपको याद होगा ऐसा था ना उसका ग्वानिन, याद कीजिए, और ये नंबर 1 कार्बन था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ गया है और ये वाला इस तरफ है, एंड कार्बन नंबर 1 यहाँ ना होके यहाँ है क्योंकि इसको ऐसे घुमा दिया गया है। अब इसी के लिए मैंने ये बनाया था, तो हमारा जो कार्बन ग्वानिन था वो कैसा दिख रहा था, ऐसा था ना, देखिए कार्बन नंबर 1,
लेकिन यहाँ पे ये पेंटागॉन इस तरफ है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इनके एटम्स के बीच में बनता है, इसलिए इसको इस तरफ एक्सपोज करना जरूरी था। और उसके बाद में ये जो है नंबरिंग जो हुआ है इसका, ये वन है लेकिन इसको घुमा दिया गया है, इसलिए ये वाला वन वाला नाइट्रोजन इस तरफ आ गया है। तो मतलब सब चीज़ फिर बदल जाएगा, फिर ये वन टू थ्री फोर इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया ना ये वाला फिगर में, ये डायग्राम समझ में आया ना ग्वानिन का? वैसा ही साइटोसिन में देखिए, साइटोसिन ऐसा ड्रॉ होता है ना, और ये बेस वाला वन था, यहाँ पे वही है, ये साइटोसिन है लेकिन यहाँ पे बेस वाला वन आ गया है, थोड़ा सा रोटेट हो गया है, बस इतना ही है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेगा। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो क्वालिटी है वो पता याद होगा क्या? एक्स एच, वाई एफ, वाई एन, वाई ओ, यही था ना क्वालिटी। ढूंढते हैं आप इन चीज को। हाइड्रोजन बॉन्ड दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में वहां वहां बनेगा जहां जहां पे एच होगा एज अ डोनर, और क्योंकि नाइट्रोजनस बेस है तो एफ तो यहाँ पे नहीं होगा, ओ होगा या खाली एन होगा एज एक्सेप्टर, इतना बात याद रखना है, ठीक है? तो अब सर्च करते हैं ऐसी चीजें। देखिए इसमें कहाँ कहाँ पे ऐसा है, पहले मुझे ये बताइए। देखिए ये ओ है, ये क्या है? एक्सेप्टर है, मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। वॉटसन में ऐसा डायग्राम है, आप ये समझ जाएंगे तो वॉटसन का वो वाला फिगर समझ जाएंगे। तो ये ओ हमारा एक्सेप्टर है, मतलब अच्छा एक्सेप्टर को हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, डोनर को ऐसे एरो से, ठीक है? तो डोनर कौन होगा? एच, एक्सेप्टर कौन होगा? इन तीनों में से एक, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेसिस है, एच एफ तो है नहीं, सिर्फ वाई एन या वाई ओ है, ठीक है? तो अब देखते हैं, तो देखिए ये वाला ओ जो सिक्स पोजीशन में वो एक्सेप्टर है, ठीक है? ये जो एन है वो क्या है? एक्सेप्टर है। ये एन तो शुगर के साथ चला गया है, ये कौन सा एन है? नाइन, इसको छोड़ देते हैं। ये वाला जो एन है ये भी एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है। ये देखिए एनएच है, ठीक है? एनएच होने से ये डोनर हो गया, क्योंकि ये एक्सएच हो गया, एच और ये एन हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड पोजिशन पे जो है ये भी डोनर है, ये भी डोनर है। हुआ ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ? किस बुक समझ में आया आप सबको? ये बात समझ में आई आप लोगों को? ग्वानिन का डोनर और एक्सेप्टर आपको समझ में आया? समझ में आया ग्वानिन का डोनर एंड एक्सेप्टर? एक बार डायग्राम देख लेती हूँ अगर है वो वाला, तो नहीं मैं वाला नहीं लाई, वॉटसन में है वो डायग्राम। चलो यहाँ पे ये समझ में आया आपको? ये समझ जाएंगे तो वॉटसन में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये क्लियर हुआ आपको? एक बार और मैं बता देती हूँ, इरेज ऑल इंक। देखिए ओ डो एक्सेप्टर, एन एक्सेप्टर, एन ये तो शुगर के साथ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। एन एक्सेप्टर, एन एच, एन एच ये इसी का ही है, ग्वानिन का है, ये हो गया डोनर। ये ओ था, ये एच दूसरे मॉलिक्यूल का है, ठीक है? ये एन एच टू ये ग्वानिन का ही है, ये भी डोनर, ये भी डोनर हुआ, ठीक है? ठीक है तो हाँ बोलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर है ना सबको यहाँ तक? ठीक है ना, कोई तो हाँ बोलिए। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। साइटोसिन का, साइटोसिन का देखिए ये डोनर है, ये डोनर है, ठीक है? ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, ये तो शुगर के साथ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है साइटोसिन में। इतना क्लियर हुआ, ये वाला क्लियर हुआ? अब हाँ बोलिए प्लीज। ये तक क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? फिर यहाँ पे सर्च करते हैं एडेनाइन का। ये एक्सेप्ट डोनर है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये तो बनाएगा, छोड़ देते हैं। ये एक्सेप्टर है और ये एन है, ये एक्सेप्टर है। थायमिन का ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, ये तो शुगर के साथ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया आपको डोनर और एक्सेप्टर दोनों का, चारों का? यूरासिल को नहीं बनाया गया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, चारों का। ये सब डोनर एक्सेप्टर समझ में आया? ये है डोनर का सिंबल, ये है एक्सेप्टर का सिंबल। जो डोनर होगा वो एच और एक्स होगा, जो एक्सेप्टर होगा वो होगा वाई एन या वाई ओ, इतना ही लिख लेंगे अपने कॉपी में अगर चाहते हैं तो। एक्सेप्ट डोनर होगा एक्स एच, हाइड्रोजन बॉन्ड का डोनर,
और एक्सेप्टर होगा वाई ओ या वाई एन, ये दोनों एक्सेप्टर है ये डोनर है। वाह, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अच्छा बेटा प्रियंका, देखो अभी मैंने बताया ना कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक के पास एक्स एच होना चाहिए, सॉरी एक के पास एक्स एच होना चाहिए, दूसरे के पास में एफ या ओ या एन होना चाहिए बस, और वो किसी के साथ भी अटैच्ड हो सकता है ना। ये जो हाइड्रोजन है ये अट्रैक्टेड हो जाएगा इसकी तरफ, अट्रैक्शन फील करेगा इसके लोन पेयर के पास में, तो ये वहां जाने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया डोनर और ये हो गया एक्सेप्टर, बस इतना ही। ये इस जाने की कोशिश नहीं करेगा, आई मीन ये अट्रैक्शन को दे रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो जहां पर भी आपको एच दिख रहा है और वो किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, जैसे कि एन ओ या एफ फिर एच है, तो ये हो गया डोनर। और उसके बाद ओ एन और एफ है और वो किसी के साथ भी अटैच्ड है, तो ये वाला मॉलिक्यूल हो गया एक्सेप्टर। ठीक है, ठीक है प्रियंका, समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए मैं फिर से थोड़ा सा एक बार फिर बता देती हूँ, सब नहीं बताऊंगी, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए इसको अलग करते हैं पहले साइटोसिन से, ये साइटोसिन से अलग हो गया, ये है हमारा ग्वानिन। ठीक है, अब इस ग्वानिन में हमको डोनर और एक्सेप्टर सर्च करना है। सबसे पहले यहाँ क्या है, सी है, सी और ओ है, तो ये क्या हो गया, वाई ओ नहीं हुआ हमारा, वाई ओ नहीं हुआ, ये क्या हो गया एक्सेप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एन है, तो एन क्या हो गया, वाई एन नहीं हो गया, ये भी हो गया एक्सेप्टर, ये तो शुगर के साथ गया, छोड़ो, ये भी वाई एन है, ये भी एक्सेप्टर। ये देखिए एन और एच है, तो ये हमारा एक्स और एच नहीं हो गया, एच प्रेजेंट है और एक्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे ज्यादा होना चाहिए, एक्स की जगह पे एन ओ और एफ कुछ भी हो सकता है, तो ये वाला जो एच है ये डोनर हो गया, ये डोनर हो गया। अब यहाँ पर देखिए एच है और एन है, तो ये भी तो एक्स एच हो गया, ये भी डोनर हो गया। अब हुआ क्लियर, हुआ आप लोगों को क्लियर ये चीज, सबको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको ये चीज प्रियंका, अब आपको क्लियर हुई ये चीज, क्लियर हुई है आप सबको? क्लियर हुआ ये सबको? रिप्लाई कीजिए प्लीज। फिर यहाँ पे देखिए अभी इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं पहले, ठीक है, इसको अलग जब किया तो ये देखिए ये हो गया एक्सेप्टर, ये हो गया डोनर, ये हो गया एक्सेप्टर, ये तो चला गया। अब यहाँ पे ये डोनर, ये डोनर, ये एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर हो गया, ये एक्सेप्टर, यहाँ पे ये डोनर, ये डोनर, ये एक्सेप्टर, बस इतना ही तो है। ठीक है, ओके प्रियंका, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, मैंने क्या बताया था, एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ग्वानिन है और साइटोसिन है उनके बीच में, ग्वानिन का मेन रिंग के बारे में ही सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ये वाला और इसके वाले के बीच में कहाँ कहाँ पे बन सकता है, तो तीन जगहों पर बन सकता है। देखिए तीन जगहों पर बन सकता है कि नहीं, ये वाला नाइट्रोजन छूटा हुआ है, ये दूर है, यही तीन मॉलिक्यूल इसके तीन मॉलिक्यूल के पास में है, तो इसीलिए ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि ये तीन प्लेसेस में डोनर एक्सेप्टर जो है वो फेस टू फेस है और उनकी ज्योमेट्री जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब क्या है, ग्वानिन और साइटोसिन जो है दे आर लाइक लॉक एंड की, जिस तरह से लॉक के अंदर की जा सकता है, उसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह से है कि जब वो फेस टू फेस आते हैं तो उनके तीन जगहों पर डोनर एक्सेप्टर एक दूसरे से सामने आते हैं और वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो ये जो है दे हैव अ कॉम्प्लीमेंट्री नेचर,
that is they have a geometry which helps them to form three hydrogen bonds. आया समझ में? क्लियर हुआ? इसीलिए जी और सी के बीच में तीन ही बन सकता है. आप चार बनाएंगे क्या? कोई मुझे चार बना के दिखा दे. अगर आप बना पाएंगे तो मैं जान जाऊंगी आपको. कोई चार नहीं बना पाएगा, तीन ही बनेगा. और दो भी बन नहीं सकता क्योंकि फिर तीसरे जगह पे बनने के चांस हैं. तो तीन ही बनेगा और जी और सी के बीच में ही बनेगा. ठीक है, अब जी और ए के बीच में क्यों नहीं बनेगा या सी और ए के बीच में क्यों नहीं बनेगा वो देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया तीन ही क्यों बनेगा, जी और सी के बीच में ही क्यों बनेगा, क्योंकि जी और सी दे हैव अ लॉक एंड की कॉम्प्लीमेंटैरिटी. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर लाइक लॉक एंड की, एंड देयर ज्योमेट्री इज एग्जैक्टली फिटिंग. दे हैव अ फिट, दे हैव अ वेरी फिटिंग ज्योमेट्री विथ ईच अदर. वैसे यहाँ पर देखिए ए और टी के बीच में, देखिए ए और टी के बीच में दो ही जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है. और कहीं पे बना सकते हैं क्या? देखिए ये तो एक है एक्सेप्टर, लेकिन इसको डोनेट करने के लिए कोई नहीं है. ये भी एक्सेप्टर है, बस हो गया. तो ये वाला और ये वाला रिंग जब आपस में फेस टू फेस आते हैं तो दो पोजीशंस में लॉक एंड की वाली कॉम्प्लीमेंटारिटी आती है. उनकी ज्योमेट्री इतनी अच्छी हो जाती है कि दो जगहों पर ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. अब क्लियर हो गया आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है और कैसे नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बनता है. ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को ये चीज? जवाब दीजिए प्लीज. ठीक है, मैं आगे बढ़ूं? अच्छा मैम, मेरी केमिस्ट्री वीक है तो कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरे बेसिक समझ सकूं. अच्छा, केमिस्ट्री एक्चुअली सब मैक्सिमम बायोलॉजी की बच्चों के केमिस्ट्री वीक होती है. कोई बात नहीं, जब भी आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़ केमिस्ट्री रिलेटेड, कोई वर्ड मिल रहा है आप उसके पीछे पड़ जाइए. उसको कहाँ से ना कहाँ से ढूंढ के निकालिए, किसी से केमिस्ट्री टीचर से पूछिए और उसका नोट बना के रख लीजिए. जैसे मैं, अगर आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हैं, डीएनए चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, बेस पेयरिंग, ये पोलर बॉन्ड यानी पोलर मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड, नेगेटिविटी वर्ड आएगा, अभी देखेंगे बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन आएगा, पाई पाई इंटरेक्शन आएगा. तो ये सारी चीज़ें, जैसे कोई केमिस्ट्री वर्ड दिख रहा है उसके पीछे पड़ जाइए और उसको क्लास 8 से या क्लास 9 से कैसे केमिस्ट्री बच्चा पढ़ता है वैसे पढ़िए, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. धीरे 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 क्लियर हो जाएगा. अगर चाहेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपका केमिस्ट्री वीक है तो आप पढ़ नहीं सकते हैं. थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा. तो ये समझ में आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, जी और सी के बीच में तीन और ए और टी के बीच में दो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर ये वाली चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए कहाँ कहाँ बनता है. तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है. देखिए यहाँ पर कार्बोनिल एट C6 एंड NH2 एट C4, ये पहला हाइड्रोजन बॉन्ड है. कहाँ पर? देखिए कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड एट 6th पोजीशन एंड NH2 एट 4th पोजीशन, वही लिखा है मैंने. कार्बोनिल एट C6 एंड NH2 एट C4, ये फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है. सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है? N1 एंड N3 के बीच में. देखिए N1 है, ये N3 है, N3 का हाइड्रोजन और N1 के बीच में सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड. थर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O, तो कार्बोनिल एट C2 ऑफ साइटोसिन एंड NH2 ऑफ C2 ऑफ ग्वानिन. ये बात याद रखना है, ये आपको दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है. खाली आपको ये देखना है कि कार्बोनिल एट C6 किसका? ग्वानिन का. NH2 एट C4 किसका? साइटोसिन का. N1 ऑफ ग्वानिन किसका? ग्वानिन का. N3 किसका? साइटोसिन का. NH2 एट C2 किसका? ग्वानिन का. कार्बोनिल एट C2 किसका? साइटोसिन का. ये आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, इस स्लाइड को रख लीजिए. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहाँ है? देखिए ए का 6th पोजीशन का NH2, तो NH2 एट C6 एंड कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O ऑफ C4 ऑफ थाइमिन एंड N ऑफ N1 ऑफ एडेनाइन एंड N3 ऑफ थाइमिन. ये दो जगह पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड है. इसको क्वेश्चन बना के रख सकते हैं आप सेक्शन 2 के लिए. ठीक है, हो गया, आगे बढ़े. हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर हो गई नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में. ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े. ठीक है, तो क्लियर, मैं आगे बढ़ रही हूँ. ठीक है,
ओके अब यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में कल हमने बात की थी। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमेशा शुगर के C1 प्राइम के बीच में होता है और प्यूरिन के किसके बीच में होता है, N9, और पाइरिमिडिन का किसका होता है, N1, है ना। तो अगर प्यूरिन का N9 होगा तो हमेशा ये बात याद रखना है कि जो शुगर है वो OH देगा और बेस से H लेगा, इन दोनों का वाटर बन के चला जाएगा और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ देखते हैं आप, देखिए यहाँ पर ये देखिए पिरिमिडिन का, देखिए N1 में H, N1 में NH है, यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन में NH है, यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन में NH है। ये शुगर के फर्स्ट कार्बन के OH के साथ ये H चला जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है। वैसे यहाँ पर N9 में H है, NH है, यहाँ पर भी NH है, यहाँ पर भी NH है। अब ये शुगर के सेकेंड कार्बन के OH के साथ में चला जाता है वाटर बन के और हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाता है, जो कि एक एग्जाम्पल है कंडेंसेशन रिएक्शन का, जिस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी कंडेंसेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। और जो हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है वो N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, क्योंकि देखिए ये N बीच में रह गया है, H और OH चला गया, N रह गया, तो ये N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। और जो शुगर है वो बीटा टाइप का है, इसलिए जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एक और बात, डाइसैकेराइड्स के बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ में इसी तरह से कॉम्बिनेशन करता है, इसी तरह से बॉन्ड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, वो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि उसमें ओ रह जाता है बीच में। ये आज क्लास के बाद आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सब क्लियर है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया हमारा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्ड पे एक डिटेल डिस्कशन हो गया है। आई थिंक आप लोगों के साथ ये सब क्लियर हो गया है। हाँ बोल दीजिए, एक बार थम्स अप दे दीजिए या यस बोल दीजिए, सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। क्लियर है ना, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। क्लियर है ना आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ तक, ठीक है ना। ठीक है, तो ठीक है ना, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ आप। ओके, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल लिया गया है लेनिंजर से। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर नाइट्रोजीनियस बेस अकेला है तो उसका नाम होगा एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिन। ठीक है, अब यही, ओके प्रियंका थैंक यू, अब यही नाइट्रोजीनियस बेस अगर शुगर के साथ मिल जाएगा, एस और एन, जिसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं, SNP, अगर प्यूरी, अगर नाइट्रोजीनियस बेस अकेला है, N है, तब उसका नाम होगा एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिन। ये लेनिंजर का टेबल है। अगर वही शुगर, मेरा पेन का है, हाँ, अगर यही शुगर नाइट्रोजीनियस बेस के साथ लग जाएगा तो उसे कहा जाएगा एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटिडाइन, थायमिडाइन, यूरिडाइन। मतलब एडेनाइन को एक सरनेम मिल जाएगा साइन, गुआनाइन को एक सरनेम मिल जाएगा साइन, साइटोसाइन को सरनेम मिल जाएगा डाइन, थायमिन को डाइन और यूरासिल को डाइन। देन अगर वो डीएनए में है तो उसका जो शुगर होगा वो डीऑक्सी टाइप का होगा, तो हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन। वही आरएनए होगा तो उसका शुगर नॉर्मल होगा, तो हम उसे बोलेंगे एडिनोसाइन। तो अगर नाइट्रोजीनियस बेस अकेला है तो एडेनाइन है, वही नाइट्रोजीनियस बेस अगर डीएनए के शुगर के साथ लगा हुआ है तो उसे कहा जाएगा डीऑक्सीएडिनोसाइन, S+N। अगर वही नाइट्रोजीनियस बेस आरएनए के शुगर के साथ लगा हुआ है तो उसे बोला जाएगा एडिनोसाइन। अगर वही नाइट्रोजीनियस बेस अकेला है तो उसे कहा जाएगा ग्वानिन, और अगर वो डीएनए के शुगर के साथ लगा है तो उसे कहा जाएगा डीऑक्सीग्वानोसाइन, और सिर्फ आरएनए के शुगर के साथ लगा है तो उसे कहा जाएगा ग्वानोसाइन। वही नाइट्रोजीनियस बेस अगर अकेला है तो उसे कहा जाएगा साइटोसिन, और वही अगर डीएनए के शुगर के साथ लगा है तो उसे कहा जाएगा डीऑक्सीसाइटोसिन, और वही अगर आरएनए के बेस के साथ शुगर के साथ लगा हुआ है तो उसे कहा जाएगा साइटिडिन। अब वही अगर नाइट्रोजीनियस बेस अकेला है तो वो थायमिन, और अगर वो डीएनए के साथ में है तो डीऑक्सीथायमिडिन, आरएनए के साथ में है तो थायमिडिन। यूरासिल तो बेसिकली ज़्यादातर आरएनए में ही देखा जाता है, इसलिए उसका एक ही नाम है यूरिडिन। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है।
अब यही शुगर और नाइट्रोजन इज बेस्ड फॉस्फेट के साथ मिल जाता है, उसका नाम फिर बदल जाता है तो एडिनाइलेट, डीऑक्सीएडिनाइलेट। इसका जो शुगर है वो उसके पास ऑक्सीजन नहीं है सेकेंड कार्बन में। ग्वानाइलेट डीऑक्सीग्वानाइलेट, साइटीडाइलेट डीऑक्सीसाइटीडाइलेट, थाइमीडाइलेट डीऑक्सीथाइमीडाइलेट एंड यूरीडाइलेट। ये टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाए। एडिनाइलेट का मतलब है शुगर, यहाँ पे एडिनाइन है और यहाँ पे फॉस्फेट है। डीऑक्सीएडिनाइलेट का मतलब है शुगर, यहाँ पे एडिनाइन है, यहाँ पे एच है और एच है, यहाँ पे फॉस्फेट है। हो गया, ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये वाला टेबल। मैं आगे बढ़ रही हूँ, अब ये वाला देख लेते हैं, ये भी लेनिंजर से है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरा पेन कहाँ है, हाँ ये देखिए, ये हमारा शुगर है डीएनए का, क्योंकि सेकेंड कार्बन में एच और एच नाइट्रोजनियस बेस है। ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है जो कि फिफ्थ कार्बन से लगा है। मैंने आपको बताया था फॉस्फेट मॉलिक्यूल फिफ्थ कार्बन 5' या 3' 5' या 3' में ही लगा होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक एसएनपी है कि नहीं, ये एक एसएनपी है कि नहीं, ये जो एसएनपी है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियोटाइड। और यह है क्या, डीऑक्सीएडिनाइलेट। अभी पीछे ही हमने देखा था एसएनपी जब होता है तब लेट लगता है, लास्ट में जब एसएन होता है तो साइन लगता है, साइन लेट, डाइन लेट, डाइन लेट, डाइन लेट। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, कहाँ है मेरा पेन, कहाँ दिख रहा है, हाँ दिखा मुझे, अगर ये न्यूक्लियोटाइड है तो इसका नाम डीऑक्सीएडिनाइलेट है, या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं डीऑक्सीएडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लेनिंजर और वॉटसन का हर एक चीज डिस्कशन करूंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यह है डीऑक्सीएडिनाइलेट, क्या डीऑक्सीएडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट है ना। डीऑक्सीएडिनोसाइन मतलब क्या हो गया, शुगर, एडेनाइन, एच, 5' मोनोफॉस्फेट मतलब एक ही फॉस्फेट है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम है, इट इज अ न्यूक्लियोसाइड विथ अ सिंगल फॉस्फेट। ये हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि अगर एस एन पी है तो दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड विथ अ सिंगल फॉस्फेट एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एन एम पी, जो कि यहाँ पर है। एन क्या हो गया, एडेनाइन, तो हम यहाँ पर ए एम पी लिख सकते हैं ना, ए एम पी। और अगर डीएनए की बात करें तो डी ए एम पी लिखेंगे, वैसे यहाँ पर डी जी एम पी। और अगर दो फॉस्फेट होगा तो वो हो जाएगा डी जी डी पी, तीन फॉस्फेट है तो हो जाएगा डी जी टी पी, वैसे यहाँ पर डी ए डी पी, डी ए टी पी। यहाँ पर देखिए एक ही फॉस्फेट है तो क्या हो जाएगा, ये डी टी एम पी, डी टी डी पी एंड डी टी टी पी। और यहाँ पर डी सी टी पी, डी सी डी पी, डी सी एम पी। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ये डायग्राम को देख के। दीज आर ऑल न्यूक्लियोटाइड्स हैविंग सिंगल फॉस्फेट, सो दे आर ऑल एम पीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द नाइट्रोजनियस बेस दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल। क्लियर हुआ यहाँ तक, प्लीज रिप्लाई कीजिए, क्योंकि मौसम खराब है तो मुझे डर है कब इंटरनेट कनेक्ट हो डिसकनेक्ट हो जाएगा। आप लोग रिप्लाई करते रहेंगे तो मुझे पता रहेगा कि मैं लाइव चल रही हूँ। समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक सबको, मैं दिख रही हूँ ना, मैं लाइव हूँ तो मेरी आवाज आ रही है ना, मैं दिख रही हूँ ना, हेलो हेलो हेलो, मैं दिख रही हूँ ना, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, मैं लाइव हूँ ना, दिखाई दे रही हूँ ना, यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ ना, यस, थैंक यू, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैं इंटरनेट का डर लग रहा है ना, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब वही अगर न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में होगा तो क्या होगा,
न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या है, एस और एन है ना। क्या हुआ बेटा भानु, क्या नहीं समझ में आया आपको? नो मैम क्या बोल रहे थे? अच्छा अगर ये न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में होगा तो हम क्या लिखेंगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्लुकोनोसाइन, क्योंकि फॉस्फेट के बारे में तो बोलना ही नहीं है, तो हम डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि तो न्यूक्लियोसाइड का नाम इस स्ट्रक्चर का न्यूक्लियोसाइड के फॉर्म में बता रहा है, तो ये शेडेड स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियोसाइड ना। फॉस्फेट क्या है, ये तो फॉस्फेट आने के बाद तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, जो शेडेड स्ट्रक्चर है ये जो स्किन कलर का जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है हमारा। तो न्यूक्लियोसाइड अगर मैं इस ये डायग्राम तुमको दूंगी और बोलूंगी कि न्यूक्लियोसाइड इसमें जो न्यूक्लियोसाइड है उसका नाम बताओ, तो क्या बताओगे, डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी ग्वानोसाइन, डीऑक्सी थाइमिडाइन, डीऑक्सी साइटिडाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये दोनों टेबल आप थोड़ा पढ़ लेंगे अच्छे से आप लेनिंजर से, नहीं तो ये जो स्लाइड है इससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रही हूँ मैं, वैसे ही यहाँ पे और भी है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में, वहाँ पर हमने डीऑक्सी देखा था, देखिए यहाँ पे हमने देखा था डीऑक्सी एडिनाइलेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिनाइलेट, बस डीऑक्सी नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बात कर रहे थे और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, इसलिए डीऑक्सी लिख रहे थे। एडिनाइलेट का मतलब क्या है, एडिनाइलेट का मतलब है कि एडेनाइन शुगर के साथ और फॉस्फेट के साथ लगा हुआ है, बस वही। और उसको हम ये भी लिख सकते हैं डीऑक्सी एडिनोसाइन, एडिनोसाइन का मतलब क्या है, शुगर एंड एडेनाइन एंड 5' मोनोफॉस्फेट, तो हम डीऑक्सी एडिनाइलेट को डीऑक्सी एडिनोसाइन 5' मोनोफॉस्फेट भी लिख सकते हैं। अगर उसी का न्यूक्लियोसाइड पूछा जाएगा तो वो होगा डीऑक्सी एडिनोसाइन, इस तरह से नाम लिखा जाएगा डीएनए के सारे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का और आरएनए के सारे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का। मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स इतने तरह के हैं और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स इतने तरह के हैं। आप ये वाला टेबल स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस स्लाइड से और इसको पढ़िए, डाउट होने से कल मुझे पूछिएगा फिर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर वॉटसन क्रीक पेयरिंग है, देखिए अभी क्यों नहीं होगा ए और जी के बीच में वो अभी देखेंगे। यहाँ पर देखिए थायमिन और एडेनाइन के बीच में 2 बॉन्ड है, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो ये है वॉटसन क्रीक पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री ए टी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब लॉक एंड की वाला पोजिशन चल रहा है, जी सी के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये दोनों चीज समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम लिया है और ये डायग्राम वॉटसन का है, ठीक है। एंटी पैरेलल एंड अपोजिट पोलैरिटी, इसका मतलब क्या है देखिए, तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये है शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस, शुगर फॉस्फेट ये भी नाइट्रोजनस बेस, इसका शुगर देखिए सब ऊपर की तरफ फेस किया हुआ है, दूसरे स्ट्रैंड का शुगर नीचे की तरफ फेस किया हुआ है, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। मतलब क्या है कि अगर एक स्ट्रैंड का जो शुगर है वो सब ऊपर की तरफ होगा तो दूसरे स्ट्रैंड का शुगर सब नीचे की तरफ होगा, एंटी पैरेलल नेचर। क्यों एंटी पैरेलल नेचर, क्योंकि जो शुगर होते हैं उनका जो डीएनए होता है तो आपने देखा होगा 5' to 3', 3' to 5', इसका मतलब क्या होता है, 5' का मतलब होता है कि जो शुगर एक स्ट्रैंड में जो शुगर सबसे अपर मोस्ट है उसके 5th कार्बन, ये 5th कार्बन है, ये वाला 5th कार्बन है, उसके 5th कार्बन में फॉस्फेट लगा हुआ है और जो लोअर मोस्ट शुगर है उसके 3rd कार्बन में OH लगा हुआ है, यही मतलब है 5' और 3' का। अब यहाँ पर देखिए 3' का मतलब हो गया जो 3rd कार्बन है उसका OH लगा है और जो 5th कार्बन है उसमें फॉस्फेट लगा हुआ है, तो 5' का मतलब हमेशा होता है कि 5th प्राइम में फॉस्फेट एक्सपोज्ड है, 3rd प्राइम का मतलब है कि 3 प्राइम कार्बन में OH एक्सपोज्ड है, तो दोनों जो स्ट्रैंड से उनकी पोलैरिटी अलग है, 5' से 3' एक है डायरेक्शन, दूसरे का है 3' से 5'। इसका मतलब ये है जो 5' से 3' होगा उसका जो शुगर होगा वो अब ऊपर की तरफ फेस करेगा, जो 3' से 5' में उसका शुगर जो है वो नीचे की तरफ फेस करेगा। क्लियर हो गई 5' से 3' और 3' से 5' की बातें, इस तरह से ये बातें क्लियर हो गई। दोनों एंटी पैरेलल होंगे, दोनों की अपोजिट पोलैरिटी होगी, ऐसा क्यों, क्योंकि एडेनाइन और थायमिन के बीच में ज्योमेट्री जो है, एडेनाइन जो है अगर वो डबल रिंग है तो थायमिन सिंगल रिंग है, दोनों लॉक एंड की के फैशन में है, दोनों आसानी से फिट हो जाते हैं,
ये दोनों को आसानी से फिट करने के लिए अपोजिट वे स्ट्रैंड चलना जरूरी है, तभी वो दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड वाले एटम्स फेस करेंगे एक दूसरे से और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? मैं आगे बढ़ रही हूँ, कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने क्लियर कर लिया। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ किया है, एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये चौथा और ये पांचवा। इस तरह से मैंने पांच वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ करके आपके लिए रख दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जब ड्रॉ होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनता है, ठीक है? क्योंकि ये वाला हो जाता है H और X, एक के पास हाइड्रोजन है और X हो गया हमारा O, और ये हो जाता है Y और O। तो Y यहाँ पर H है और O हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो वाटर मॉलिक्यूल मैंने ये बनाया है, आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है? तो इसमें आपको याद रहेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ वॉटसन के कुछ पैराग्राफ्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहली बात क्या है, ये पैराग्राफ का नाम क्या, हेडिंग क्या है? द टू चेन्स ऑफ द डबल हेलिक्स हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंस। मेरा पेन का है, हाँ, हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंस। मतलब क्या है कि दोनों का सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटरी है। मतलब क्या है, अगर ए एक जगह पे होगा तो दूसरी जगह पे टी होगा, अगर पहला जगह में सी है तो दूसरी जगह में जी होगा, उनके बीच में तीन और दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसका रीजन हम समझ चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि ए सी के साथ क्यों नहीं बनाता है, ये आप समझेंगे। उससे पहले दोनों चेन का जो सीक्वेंसेस होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये है, मैंने जो भी येल्लो में कलर किया है वो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, ठीक है? द पेयरिंग बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन रिजल्ट्स इन ए कॉम्प्लीमेंटरी रिलेशनशिप। जो मैंने समझा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है लॉक एंड की। इसकी वजह से क्या होता है, डीएनए का सेल्फ एनकोडिंग कैरेक्टर डेवलप कर जाता है। सेल्फ एनकोडिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है, अगर आपको एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया होगा तो दूसरे का आप खुद लिख सकते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है 5' पहले आता था, 12th स्टैंडर्ड में आता था 5' ए टी सी जी 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 3', राइट द अदर सीक्वेंस। तो आप क्या लिखेंगे, अदर स्ट्रैंड सीक्वेंस 3' टी ए जी सी 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 5', यही ना लिखेंगे? इसको बोलते हैं सेल्फ एनकोडिंग कैरेक्टर। मैम ये पैराग्राफ किस बुक से है? बेटा ये वॉटसन से, ये वॉटसन से, आप सर्च कर लेंगे वॉटसन से, ठीक है? लास्ट में नहीं तो मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगी। ये वॉटसन से है, ये वाले फिगर, ये सारे फिगर, ये भी वॉटसन से है, ये लेनिंजर से है, ये लेनिंजर से है, ये वॉटसन से है, ये वॉटसन से है, ये वॉटसन से है, ये सारे फिगर्स है। क्या हो रहा है मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी, ठीक है? ठीक है, तो ये वॉटसन से है, ठीक है? आगे बढ़े, मैं वॉटसन का ये पैराग्राफ, दो पेज है वॉटसन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकता है बी और सी में, मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो पेयरिंग जो होती है नाइट्रोजनस बेसिस में वो कॉम्प्लीमेंटरी है, कॉम्प्लीमेंटरी है और सेल्फ एनकोडिंग कैरेक्टर को डेवलप करता है। इसका ये लाइन समझ गए। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी होने का मतलब क्या है, उनके शेप्स जो हैं वो दोनों को एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अगर ये डबल रिंग होगा तो ये सिंगल रिंग होगा। अब इमेजिन कीजिए दोनों अगर डबल रिंग होगा तो कैसे बनेगा, दोनों फिट नहीं हो पाएंगे डीएनए के बीच में, दोनों स्ट्रैंड मेन चेन के बीच में। अगर एक डबल रिंग है तो एक सिंगल रिंग होगा ही होगा फिट होने के लिए, ठीक है? इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी बोथ ऑफ शेप। पेज नंबर बता के जाइएगा प्लीज मैम, श्योर मैं पेज नंबर बता दूंगी आपको, बुक का वो पेज नंबर दिखा दूंगी, ठीक है? तो ये कॉम्प्लीमेंटरी है, दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंटरी है, मेरा पेन का है, हाँ। उसके बाद दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है। एक्सोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप मतलब क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप मतलब रिंग के बाहर NH2, ये होता है एक्सोसाइक्लिक अमीनो ग्रुप एट 6th पोजीशन। तो मैंने आपको ये तो लिस्ट दिया ही था हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है, तो ये वाले पैराग्राफ में वो चीज़ें बनती है, वही चीज़ें लिखी है। आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोजिनियस बेसिस जो है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, देयर ज्योमेट्री फिट्स विथ ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ विच दे हैव सेल्फ एनकोडिंग कैरेक्टर, उनके शेप भी कॉम्प्लीमेंट्री है जिसकी वजह से उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बन पाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जिन जिन पोजिशन पे बन सकता है वहाँ वहाँ पे बनता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि क्यों नहीं बनेगा ए और सी के बीच में बॉन्ड। ये तो नहीं रब हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, हाँ रब हो गया। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि क्यों ए और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ये वाला डायग्राम मैंने वॉटसन से बनाया है, देख के बनाया है ये वाला डायग्राम वॉटसन से, और ये वाला डायग्राम भी वॉटसन का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यों ए और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। देखिए ए जो है, ए जो है उसका मैंने N1 जो है, वैसे नॉर्मली ए एडेनाइन जो होता है इस तरह से होता है ना, नॉर्मली एडेनाइन कैसा दिखता है जो हमने बनाया था, सीखा है जो, ऐसा यहाँ N1 होता है। लेकिन ये इसका ये वाला रिंग यहाँ पे है क्योंकि ये इसको इसके साथ फेस करना ज़रूरी है, और N1 को रोटेट कर दिया गया है, यहाँ ना होके यहाँ आ गया है, रोटेट कर दिया गया। तो ये वन है, N1 है। तो अब यहाँ पे दोनों में हम डोनर और एक्सेप्टर को लेबल करेंगे। अच्छा बेटा टेलीग्राम चैनल, हाँ ठीक है, मैं अपनी टीम से बात करके आपको बता दूंगी कि अनअकैडमी का कौन सा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एडेनाइन में हम डोनर एक्सेप्टर सर्च करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से पहले हमेशा डोनर एक्सेप्टर को सर्च करना ज़रूरी है। एडेनाइन में डोनर एक्सेप्टर सर्च करते हैं, ठीक है। ये डोनर देखिए, ये डोनर ये एक्सेप्टर मैंने लिख दिया है, एक्सेप्टर। इसके अलावा यहाँ पे डोनर या एक्सेप्टर नहीं है, ठीक है। खुद आप बनाइए, अपने कॉपी में खुद बनाइए और खुद मेरे साथ सीखिए कि डोनर एक्सेप्टर कैसे सर्च करते हैं। आप ये नहीं सर्च कर पाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना मुश्किल हो जाएगा। बेटर है कि आप एडेनाइन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन का स्ट्रक्चर याद कर लें, और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है वो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप डोनर एक्सेप्टर सर्च करना सीख जाएंगे। तो देखिए एडेनाइन का डोनर एक्सेप्टर सर्च करेंगे तो ये दोनों डोनर है, मैंने डी लिख दिया है, ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है। ये तो शुगर के साथ चला गया, इसने तो अपना एच दे दिया ना शुगर को, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में चला गया इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। ये वाला एन जो है ये भी एक्सेप्टर है। बाकी कहीं पर आपको एन या ओ दिख रहा है या एच दिख रहा है कहीं पर? खाली एच होने से नहीं होगा, ये सी एच है, खाली इससे नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड में एक्स और एच अगर होगा तो ये जो H है ये एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहेगा, O, N या F। CH होने से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, ये बात याद रखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन ये डोनर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे C है, ठीक है, हो गया। और ये एक्सेप्टर भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्टर कौन होगा? एक्सेप्टर होगा O, N या F। तो हो गया, इसका डोनर एक्सेप्टर ढूंढ लिया। अब इसका ढूंढते हैं, देखिए ये दोनों देखिए डोनर है, ये एक्सेप्टर है, देखिए ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, देखिए बन पाएगा क्या। देखिए डोनर एक्सेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए डोनर एक्सेप्टर को फेस टू फेस होना ज़रूरी है। ये डोनर है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर है। तो इसके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए ए और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, हमेशा ए और टी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आ गया समझ में? और दो ही पोजीशन में डोनर एक्सेप्टर फेस टू फेस आते हैं जिनकी ज्योमेट्री शेप फिक्स फिट हो पाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया, आंसर कर दीजिए एक बार तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ें। ये तक क्लियर हो गया सबको? मैं आगे बढ़ूँ तो ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, यहाँ पर द करेस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट कैन बी ड्रॉन। अच्छा, जब भी अगर दो नाइट्रोजेनियस बेस के बीच में बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द शेप कॉम्प्लीमेंटैरिटी इन द पेयर ऑल्सो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, शेप कॉम्प्लीमेंटैरिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि एक अगर डबल रिंग है तो दूसरे का सिंगल होना ज़रूरी है, नहीं तो वो नहीं एक दूसरे से बॉन्ड बना पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सारा पोजीशन दिया हुआ है कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद जो मैंने बात बताई, मैंने जो भी मैंने बोला है हाईलाइट कर दिया है, आप ये सबको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। बेस पेयर्स हैव एग्जैक्टली द सेम ज्योमेट्री, इन दोनों की ज्योमेट्री फिट होने वाली है, मतलब अगर समझ लीजिए लॉक है तो उसके अंदर जो की जाएगा तो की और लॉक का जो ज्योमेट्री है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो लॉक कभी भी की के अंदर नहीं जा सकता, तो दोनों की ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे नया आता है, एक और पॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ से नया पॉइंट है जो मैं अभी तक नहीं बोली हूँ। देखिए लिखा है
हैविंग एन 80 बेस पेयर और ए जीसी बेस पेयर बिटवीन टू शुगर्स डज नॉट परटर्ब, परटर्ब का मतलब होता है डिस्टर्ब, द अरेंजमेंट ऑफ द शुगर्स बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द शुगर अटैचमेंट पॉइंट्स इज द सेम फॉर बोथ द बेस पेयर्स. मतलब क्या है, ए और यहाँ पे शुगर है, ठीक है, टी यहाँ पे शुगर है, ओके, जी यहाँ पे शुगर है, सी यहाँ पे शुगर है, इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल, दोनों के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के एंगल एक ही हैं. ए और टी के बीच का एंगल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का और जी और सी के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का एंगल एक ही है, ये लगभग सेम होता है. और यही एंगल के दो टाइप्स हैं, जो कल किसी ने पूछा था मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, वो थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर. जैसे कि ए शुगर, टी शुगर, ये है स्मॉलर एंगल, ये है लार्जर एंगल. ये मैं वॉटसन से पढ़ा रही हूँ, ये वॉटसन का कॉन्सेप्ट है. ये 120 डिग्री होता है और ये होता है 240 डिग्री. यही जी और सी के साथ भी होता है. ये है 120 डिग्री, ये है 240 डिग्री. इसी की वजह से मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव डेवलप करते हैं, ठीक है. ये जो है ये माइनर ग्रूव को लीड करता है, ये मेजर ग्रूव को लीड करता है, जो हम डिटेल में कल या परसों पढ़ेंगे. अभी के लिए कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे. तो डिस्टेंस बिटवीन द, यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द शुगर अटैचमेंट पॉइंट्स इज द सेम फॉर बोथ द बेस पेयर्स. मतलब दोनों के बेस पेयर, दोनों बेस पेयर में जी सी और ए टी में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है. उसके बाद क्या है, जो बेसिस है, कैसे होता है, ये हमारा एक बैकबोन है, ये दूसरा बैकबोन है, ये नाइट्रोजनस बेस 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 है. तो ये अगर हमारे दो बैकबोन के चेन्स है दोनों शुगर के, डीएनए के, तो उसके ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस है दे आर परपेंडिकुलर टू द मेन चेन, एंड परपेंडिकुलर होने के साथ साथ वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके रहते हैं. जिस तरह से कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके रहते हैं ना, अगर हम कॉइन का एक बंडल बनाते हैं तो कैसे स्टैक होके रहते हैं, उसी तरह से ये नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके रहते हैं, ठीक है. इसी को बोलते हैं स्टैकिंग इंटरैक्शन. इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है जो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी मैं. इसी को बोलते हैं स्टैकिंग इंटरैक्शन. हो गया, समझ में आ गया, ठीक है. यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, क्लियर है. मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है. अब एक और पैराग्राफ वॉटसन का जो कि समझाना ज़रूरी है. क्या है वो, समझ लीजिए, ये हमारा एक चेन है जिसमें नाइट्रोजनस बेस है, ये अभी सिंगल चेन है. ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसमें डोनर और एक्सेप्टर सारे एटम्स होंगे, डोनर एक्सेप्टर. इसको सेटिस्फाई करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का होना ज़रूरी है, नहीं तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा. तो अगर एक ग्लास समझ लो वाटर है, इसमें हमने डीएनए के तीन सिंगल स्ट्रैंड्स डाल दिए हैं या आरएनए डाल दिए हैं तीन, ठीक है. तो इनके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके डोनर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ में वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है. वाटर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये वाला स्टेबल हो जाता है. अब यही अगर एक और चेन आ जाएगा, अब दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के डोनर एक्सेप्टर एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल को बीच में से हटा देंगे, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल को बीच में से हटा देंगे, यहाँ पे वही लिखा है, ये वॉटसन से लिया गया है. देखिए यहाँ पर, एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन हैज ऑल ऑफ इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कम ऑन एंड ऑफ वेरी रैपिडली. मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें डोनर और एक्सेप्टर है, उसे वाटर मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करके रख लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना के. अगर उसके साथ में उसका कोई फ्रेंड नहीं है डोनर एक्सेप्टर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, और ये वाटर मॉलिक्यूल आता और जाता रहता है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड है हमारा डीएनए का, दूसरा अगर आ गया तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और वाटर बाहर चला जाएगा. यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं और कुछ नहीं, ये वॉटसन का है. देखिए कितना इजी है, अगर यही चीज आप देखते हैं आप डर जाते हैं, लेकिन ये कितना इजी है. देखिए, एज अ रिजल्ट फॉर एवरी हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज मेड व्हेन अ बेस पेयर फॉर्म्स
ए हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर इज ब्रोकन, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन स्पेसिस है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर यहीं पर और एक स्ट्रैंड आ गया उसके नाइट्रोजन बेस के साथ में वाटर ये बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जब नाइट्रोजनियस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये वाटर के साथ में अपना हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ लेगा, वही लिखा है यहाँ पे। दस द नेट एनर्जेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द डबल हेलिक्स अपीयर टू बी मॉडेस्ट। मतलब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्टेबिलिटी के लिए उतना जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की वजह से भी तो वो स्टेबल हो गए थे। हाइड्रोजन बॉन्ड की फिर इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए और आरएनए में? हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेसिफिसिटी एंड बेस पेयरिंग। ये सेक्शन बी का क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डबल हेलिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, एक में रहेगा स्पेसिफिसिटी एंड बेस पेयरिंग। तो आपको ये बात याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबिलिटी से ज़्यादा डबल हेलिक्स के उसके स्पेसिफिसिटी एंड बेस पेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, ए टी के साथ ही बेस पेयरिंग करेगा, स्पेसिफिसिटी ए इज स्पेसिफिक फॉर टी, बेस पेयरिंग मतलब ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनर और एक्सेप्टर जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और जिसके जिसके बीच में बन सकता है उसके बीच में बनता है, स्पेसिफिसिटी एंड बेस पेयरिंग। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेसिफिसिटी एंड बेस पेयरिंग, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द डबल हेलिक्स। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वॉटसन से मैंने पढ़ाया है। आगे बढ़ती हूँ, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? यस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, अगर हम एडेनाइन को साइटोसिन के साथ पेयर करने की कोशिश करेंगे तो उनके डोनर और एक्सेप्टर जो हैं वो कभी भी एक दूसरे के फेस टू फेस नहीं आएंगे, या तो डोनर डोनर आ जाएंगे या तो एक्सेप्टर एक्सेप्टर आ जाएंगे, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो यहाँ तक हम क्लियर हो गए, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, नाइट्रोजन स्पेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है, ए के बीच में और टी के बीच में दो क्यों बनता है, जी और सी के बीच में तीन क्यों बनता है, जी ए के साथ क्यों नहीं बना सकता, सी टी के साथ क्यों नहीं बना सकता, और हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। इतना हमने क्लियर किया आज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे सेक्शन बी में क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअली में सीएसआई नेट में सेक्शन बी में थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको सेक्शन सी में कॉन्सेप्ट आपका देखा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट है, सेक्शन सी में भी आ सकता है और बी में मेमोरी बेस्ड क्या आएगा, आपको पूछ लेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से पोजिशन में बनता है, या आपको कोई एक स्ट्रक्चर दे देगा एडेनाइन का, बोलेगा कि कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है चार में से, अगर आया तो इस तरह से आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग सभी? कोई आगे बढ़ती हूँ मैं, स्टैकिंग इंटरैक्शन, मतलब डबल हेलिक्स जो है वो ए और टी के बीच में बेस पेयर जो बन रहा है, पेयर जो बन रहा है, ये जो बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, दिस इज वन बेस पेयर, इसकी वजह से स्टेबल है, प्लस जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ में स्टेबल हो जाते हैं। मैम आप कौन कौन सी यूनिट पढ़ाएंगे? अभी तो मैंने प्लान किया है डीएनए का स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एंड होगा तो क्रोमैटिन और न्यूक्लियोसोम, ये सब भी बात करेंगे। मेरा पहला एम है डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट करना अच्छे से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डीएनए का स्ट्रक्चर आपको ऐसा कोई भी वर्ड ना हो जो क्लियर ना हो लेनिंजर से और वॉटसन से। लेकिन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डीएनए स्ट्रक्चर बहुत बहुत ज़रूरी है पढ़ना, इसलिए हम इसके ऊपर बहुत ध्यान देके पढ़ेंगे। इसके बाद होगा तो हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ख़त्म करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रिंसु। ठीक है, तो डबल हेलिक्स के स्टेबिलिटी के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, आ सकता है, बेस पेयरिंग एंड बेस स्टैकिंग। अब यहाँ पे
थोड़ा सा और समझना है, इसके बाद शुगर पकड़ी बस थोड़ा देर। और अमीनो एसिड्स प्रियंका, या श्योर, जैसे ये खत्म होगा, ये तीन इतनी चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो मुझे भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ाना बहुत पसंद है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पढ़ेंगे। बहुत ईजी है, आप ये मत सोचिए वो डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको बॉन्ड्स का नॉलेज है, जैसे मैंने भी पोलर नॉन पोलर की बात की, आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर बेस पेयरिंग और बेस स्टैकिंग क्या होता है, ये वाला पैराग्राफ को हम डिकोड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट द ओनली फोर्स दैट स्टेबलाइज द डबल हेलिक्स। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड डबल हेलिक्स के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। डबल हेलिक्स के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल कौन है? बेस स्टैकिंग एंड बेस पेयरिंग, जो मीनिंग हमने समझा, बस थोड़ा डिटेल इस पैराग्राफ का पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले क्या हमने देखा कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस पे हाइड्रोजन बॉन्ड किसके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिसिटी एंड बेस पेयरिंग के लिए। और फिर बेस पेयरिंग और बेस स्टैकिंग इंपॉर्टेंट है डबल हेलिक्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है, या हाइड्रोजन बॉन्ड एक अकेला रीजन नहीं है। ये वाला हो गया। ए सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम स्टैकिंग इंटरेक्शन बिटवीन द बेसिस। अब इसका मतलब क्या है प्रियंका, तुम्हारा जो डाउट है बॉन्ड का, यहाँ पे और दो दो डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो मैं इसको रीडिंग ना करके पहले समझाती हूँ, फिर रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखो समझ लीजिए, यहाँ पे हमारा थायमिन है और नीचे समझ लीजिए एडेनाइन था, यहाँ पे एडेनाइन है और यहाँ पे थायमिन है, ये दो डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या होगा, ये एडेनाइन और थायमिन इस तरह से होंगे, यहाँ पे हमारा एक चेन है, एडेनाइन है, थायमिन है, यहाँ दूसरा चेन है, थायमिन है, एडेनाइन है। तो ये जो थायमिन है ये एडेनाइन के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, जिस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, वीक इंटरैक्शन, उसी तरह से एडेनाइन और थायमिन भी एक दूसरे से वीक इंटरैक्शन करेंगे। यहाँ का थायमिन और एडेनाइन भी एक दूसरे से वीक इंटरैक्शन करेंगे, जिसको बोला जाएगा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन एंड वैंडरवाल्स इंटरैक्शन। ये बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन के टाइप्स है। क्या मतलब है बेस स्टैकिंग का, मतलब क्या है, मैंने आपको बताया जैसे कॉइन को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके एक बंडल बनाया जाता है, वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होके रहते हैं। स्टैक होने की वजह से जिस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, दो मॉलिक्यूल्स फेवरेबल अगर आ जाते हैं, वैसे ही दो नाइट्रोजनस बेस, अगर ऐसे नाइट्रोजनस बेस अगर स्टैक होके रहते हैं तो उनके बीच में भी कुछ इंटरेक्शंस डेवलप करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारा डाउट प्रियंका का क्लियर हो जाएगा। वैंडरवाल्स, यहाँ पे देखिए वैंडरवाल्स इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड एक और वर्ड है पाई पाई इंटरेक्शन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरेक्शन। ये तीनों को मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, कुछ भारी मत समझिए, बहुत आसान है। ठीक है, करते हैं शुरू। क्या होता है देखिए, नाइट्रोजन समझ लीजिए, यहाँ पे एडेनाइन है, सॉरी थायमिन है, इसके ऊपर एडेनाइन है। ठीक है, अब जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उनको लोकेट करना है, क्या क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है इन दोनों में, एन और ओ ही होंगे, इसके अलावा तो कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स नहीं है। तो जहां पर भी एन और ओ होंगे, या हाँ जहां पर भी इनके एटम्स के बीच में क्या होता है, जैसे कि एक एक और इंटरेक्शन है वैंडरवाल्स इंटरेक्शन, वो क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, फिर ये समझेंगे। जैसे कि समझ लीजिए एक एटम यहाँ है, समझ लीजिए ओ है, यहाँ पर यहाँ पे एन है। ठीक है, ओ का न्यूक्लियस होगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स आसपास के ऑर्बिटल्स में इस तरह से रोटेट करेंगे, रोटेट मतलब सॉरी मतलब ऐसे रिवॉल्व करेंगे, ऐसा होगा ना ऑक्सीजन, वैसे ही नाइट्रोजन का न्यूक्लियस होगा, फिर उसके ऑर्बिटल्स होंगे जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरह से होगा। ठीक है, क्या होता है ये दो एटम्स इस तरह से चल रहे हैं आसानी से, अब बाय चांस क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो बाय चांस कभी किसी इंस्टेंटेनियस, मतलब बहुत मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड बोल सकते हो, बहुत कम समय के लिए क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे जमा हो जाते हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब समझ लीजिए ओ के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जमा हो गए सारे, अब ये क्या करेगा, अब ये या तो नाइट्रोजन के जो न्यूक्लियस है उसके तरफ अट्रैक्शन फील करेगा, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस अट्रैक्शन,
या वैंडरवॉल्स अट्रैक्शन, या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स है, इसका भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, इसी को बोलते हैं वैंडरवॉल्स इंटरैक्शन, ठीक है। और ये हो गया वैंडरवॉल्स इंटरैक्शन। इसी तरह से एक और होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। वो क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, समझ लीजिए HCl एक मॉलिक्यूल है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस ये डाइपोल है, एक और HCl डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इन दोनों के बीच का इंटरैक्शन, ये हो गया डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। इस तरह से वैंडरवॉल्स इंटरैक्शन डेवलप करता है। तो समझ लीजिए दो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, उनके ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा घूम रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है, उसी बीच में कभी ना कभी इस टाइप का अट्रैक्शन वो लोग फील करते हैं, ठीक है, इस टाइप का अट्रैक्शन या रिपल्शन इंटरैक्शन फील करते हैं। इससे भी डबल हेलिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, अगर इस तरह से अट्रैक्शन फील करते रहेंगे तो वो स्टेबल होगा। एंड ये बात याद रखेंगे ये मोमेंटरली होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। तो वैंडरवॉल्स समझ में आ गया। उसके बाद क्या है ये वैंडरवॉल जो है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंटरैक्शन का एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब यही, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वैंडरवॉल्स इंटरैक्शन, ठीक है। उसके बाद और एक बात बोल रहा है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, वो क्या है वो पढ़ लेते हैं। देखिए जब भी देखिए यहाँ पे लिखा है बेस, अच्छा इसी को भी बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन बोलते हैं, ये जो वैंडरवॉल्स इंटरैक्शन है इसी को बोलते हैं बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन। तो यहाँ पर बेस स्टैकिंग ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी ऑफ द डबल हेलिक्स, ए हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट मोर फेवरेबली विथ ईच अदर दैन विद द ग्रीजी और हाइड्रोफोबिक सर्फेसिस ऑफ द बेसिस। दीज हाइड्रोफोबिक सर्फेसिस आर बरीड बाई बेस स्टैकिंग इन द डबल हेलिक्स। मतलब क्या है ये जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं ये एक दूसरे से बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन या वैंडरवॉल्स इंटरैक्शन कर रहे हैं। अब ये जो है ये क्या है, ये वाटर से दूर भागेंगे, क्योंकि क्या है हमारा नाइट्रोजनियस बेसिस क्या है, ओवरऑल नाइट्रोजनियस बेसिस आर नॉन पोलर, मैंने आपको बताया था ओवरऑल नॉन पोलर है, भले उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री का ये एक मैंने बताया था बहुत कुछ होता है केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक दो जगह पे बन रहा है ना, बाकी सब जगह पर नहीं बन रहा है। एक दो जगह पे अगर हाइड्रोजन एक पोलर बॉन्ड बन भी जाए तो भी वो मॉलिक्यूल पूरा पोलर हो ये जरूरी नहीं है। तो नाइट्रोजनियस बेसिस ओवरऑल नॉन पोलर है, लेकिन दो नाइट्रोजनियस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि वैसा वो लोग डोनर एक्सेप्टर को फेस कर लेते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजन बेसिस नाइट्रोजनियस बेसिस नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन या वैंडरवॉल्स इंटरैक्शन हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स है ये इसको वाटर से बचाने की कोशिश करेगा, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। अब अगर मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले एक और बात बताई थी कि नाइट्रोजनियस बेसिस का जो भी डोनर एक्सेप्टर है उसको वाटर मॉलिक्यूल आके सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ओवरऑल नाइट्रोजनियस बेसिस से जब बेस पेयर बन जाएंगे तब तो खत्म हो गए सारा पोलर चीजें, पोलर वाले डोनर एक्सेप्टर खत्म हो गए, तब वाटर मॉलिक्यूल इससे दूर भागेगा। इसी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन में भी यही देखा जाता है, प्रोटीन में क्या होता है जो हाइड्रोफिलिक रीजन्स है वो हाइड्रोफोबिक रीजन्स को कवर करके रखते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी में वाटर का मीडियम है, जिससे कि हाइड्रोफिलिक रीजन वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के प्रोटीन को बॉडी के अंदर रख सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ का ये मतलब है, आप इसको रीडिंग कर लेंगे, डाउट होगा तो मुझे पूछ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, सबको क्लियर है, ठीक है। शुगर पकरिंग फिर से आज रह गया, टोटोमरिज्म फिर से रह गया, और बॉन्ड्स तो मैं पढ़ाने वाली हूँ, मेरे पास स्लाइड से देख लीजिए सारे हैं स्लाइड्स, डोंट वरी मैं सब बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब बहुत मेरा दिमाग और काम नहीं कर रहा है, इतना काफ़ी है। कल फिर से इसी पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसी पैराग्राफ से फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा फिर से इसको पढ़ाऊंगी और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबको समझ में आया ना सब कुछ, आज का क्लास हुआ, क्लियर हुआ सबको, तो कल हम इसी पैराग्राफ से शुरू करेंगे, शुगर पकरिंग शुरू करेंगे, फिर थोड़ा सा बॉन्ड्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगी बीच बीच में, और टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे, टॉटोमेरिज्म ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस, फिर मॉडिफाइड बेसिस कुछ पढ़ेंगे, या नहीं कुछ माइनर बेसिस हैं लेनिंजर में है वो पढ़ेंगे, देन और क्या पढ़ेंगे,
हाँ इतना इतना पहले खत्म कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे का क्या है। मैं भी बता देती हूँ आपको वॉटसन के मैं किस पेज नंबर से ली हूँ, दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए वॉटसन का दिखा देती हूँ, प्रियंका वॉटसन का देखिए पेज नंबर ये है वॉटसन, देखिए ये वाला, देखिए पेज नंबर है 82। ये सारी चीजें देखिए, ये वाला डायग्राम मैंने आज समझाया आपको, डोनर एक्सेप्टर, ठीक है। एंड ये वाला पे देखिए, ये वाला डायग्राम आप पूरा समझ चुके होंगे। देन टॉटोमेरिज्म मैंने नहीं बताया, ये एक्चुअली टॉटोमेरिज्म का डायग्राम है, लेकिन मैंने टॉटोमेरिज्म अभी नहीं बताया। आप यहाँ पे खाली डोनर एक्सेप्टर को ढूंढिए, उसके बाद और ये वाला तो मैं समझा चुकी हूँ, ये वाला पैराग्राफ समझा चुकी हूँ, देखिए ये वाला पैराग्राफ समझा चुकी हूँ, ये समझा चुकी हूँ, ये समझा चुकी हूँ। देखिए ये वाला आज हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे, वर्ड बाय वर्ड, पेज नंबर 82। ठीक है, देखिए फिर ये वाला बताना है, ये वाला बताना है मुझे, बेसिस कैन फ्लिप आउट। ठीक है, PDF भेज सकते हैं, अगर टेलीग्राम चैनल ऐसा कुछ है, ग्रुप है अगर, तो वहाँ पे हम इंटरेक्शन करेंगे, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर ऐसा ग्रुप है, मैं टीम से बात करूंगी, अभी मैं नई नई आई हूँ ना, मुझे पता चलेगा अगर, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो मैं आपको सिलेबस सब कुछ वहाँ सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा, नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है, कैसे बनता है, एक्सेप्टर रीजन क्या है, डोनर रीजन क्या है, क्यों ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्यों डबल बॉन्ड होता है, क्यों ए जी के साथ नहीं बनाता है, फिर हेलिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या रोल है, और बाकी चीज़ें भी कुछ कुछ हैं जिनका रोल है, बेस टेकिंग इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी। डाउनलोड कर सकते हैं, यस डाउनलोड किया जा सकता है, आई होप हाँ डाउनलोड किया जा सकता है, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, बता दूंगी किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ग्रुप्स ऐड, मैंने बोला ना आप बहुत सारे ग्रुप्स में जा सकते हैं जहाँ पे ये PDF अवेलेबल होता है, नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया सारी चीज़ें, अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, कल सुबह कोशिश करूंगी क्लास हो जाए तो आप लोग आ जाइएगा 11-12 बजे के आसपास में, साइक्लोन आने से पहले, और उसके बाद कब क्लास होगी, 2-3 दिन डिस्टर्ब होगा, लाइट चला जाएगा, जैसे जिस दिन आएगा मैं फिर उस दिन से फिर से शाम को क्लासेस कर लूँगी, तो आप लोगों को अगर मेरी क्लास अटेंड करनी है तो थोड़ा नोटिफिकेशन पे ध्यान देंगे, जब भी थंबनेल आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि मेरी क्लास आने वाली है, इतने समय पे प्रीमियर होने वाली है, उस पे ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगा 4-5 दिन के लिए, 27 के बाद आई थिंक सब स्टेबल हो जाएगा, तो फिर हम क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, रीडिंग कीजिए, मैंने आपको बता दिया मैंने 5-7 पेजेस कवर कर लिए हैं लेनिन जेरो वॉटसन के, रीडिंग कीजिए, लिखिए, पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।